कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जहां हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चेहरा अक्सर मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। ओ पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिसे दिल से वो तुमसे ना रूठे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है जो ये कारवां, गूंजी सी है ये वादियां, है ये जमीन ये हर वादी ने हर पर्वत ने सजा दी। हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बाजी। कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के।
हेलो 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 हेलो, आवाज कम. ओके, हेलो 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 हेलो, आवाज ठीक है? हाँ जी, लाइव एट होम वाले बच्चों, यूट्यूब वाले बच्चों, आवाज ठीक है? फटाफट से बताओ जल्दी, सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास. गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग. फटाफट जुड़ जाओ जल्दी जल्दी. थोड़ी सी तेज है? अरे यार तेज ही अच्छी है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आ जाओ फटाफट से. विल वेट फॉर 2 to 3 मोर मिनट्स एंड देन स्टार्ट द क्लास. ओके ओके, गुड मॉर्निंग. अमेलगमेशन वाले चैप्टर की, ठीक है, विल सी विल सी. पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो कंप्लीट कर लो. आइए, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया. आप लोग कैसे हैं बच्चे? गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग. आइए लेट्स स्टार्ट द क्लास. गुड मॉर्निंग, आ जाओ. ओके मेरे बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग. कैसे हैं बच्चे आप सब? घर पे कैसे हैं सब? अंकल आंटी ठीक है? घर वाले ठीक है तुम्हारे? तैयारी कैसे चल रही है पेपरों की? अच्छी चल रही है? बस लगे हुए हैं. ग्रेट, लगे ही होने चाहिए, लगे ही होने चाहिए. ये क्लास यूट्यूब पे अपलोड कैसे होगी? यूट्यूब पे पढ़ी है, जब मर्जी देखो तुम्हारी क्लास. कह रहे बच्चे, कह रहे ठीक ही है. अरे क्या हो गया? आइए, मैम मानस भैया खूब पढ़ रहे हैं. इनको अपना नहीं है, इनको दूसरों उसमें. यार तुम क्या हो यार, तुम बताओ, तुम अपने भी ध्यान दो ना बच्चे. ग्रेट ग्रेट, लेट स्टार्ट द क्लास. आइए, सो आज का जो हमारा टारगेट है इज की सेक्शन नंबर 173 से लेकर के 195 कंप्लीट करना है. अच्छा, 194 और 5 तो ओमिटेड है, तो बेसिकली 173 से लेकर के 193 तक हमें आज कंप्लीट करना है. 20 सेक्शंस है. अच्छा, ये कहने में 20 सेक्शंस है, बट जब बोर्ड की बात करती हूँ तो बोर्ड का जो मेजर पोर्शन होता है वो इन 20 सेक्शन में कवर है. बेसिकली सेक्शंस लाइक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, और उसके बाद आप कह लो इंटर कोऑपरेट लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट 184, ये अपने आप में इतने बड़े बड़े सेक्शन है. सेक्शन 186 185 लोन टू डायरेक्टर्स की, हर एक सेक्शन पे दो दो से तीन तीन क्लासेस लगती हैं जब हम क्लास में करते हैं. आई गेस 186 पे ही 2 से 3 क्लासेस लगी थी जब हमने क्लास में किया था, बट यहाँ पे हमें एक क्लास में सारे सेक्शंस कवर करने हैं. तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा सा क्या बहुत फास्ट चलेंगे, एंड आई कैन बेट यू कि आप इस वीडियो को 1.5 पे करके देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं ही 1.5 पे चलूंगी. राइट, आइए. 180 से टफ लगता है? टफ, देखो टफ है, टफ है, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे, हम भी तो टफ हैं. आइए, हाँ हाँ, क्वेश्चंस भी, क्वेश्चंस भी. अगर आज हमारा टाइम से हो गया तो क्वेश्चंस, अदरवाइज फिर कल जो है, कल वैसे हमारी कोई क्लास थी नहीं, बट हम क्वेश्चंस की क्लास कर ले लेंगे फिर. राइट, आइए. ऑनलाइन आना हो, नहीं नहीं मतलब आना हो तो आ जाना, अदरवाइज ऑनलाइन ले लेना, कैसे कोई दिक्कत नहीं है. आइए, ठीक है, चले करें क्लास स्टार्ट. आइए, चैप्टर दैट इज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स. मतलब हमें इसमें क्या पढ़ना है? हमें इसमें बोर्ड की मीटिंग के बारे में पढ़ना है, कब कब होंगी, कैसे कैसे होंगी, एंड उसके बाद बोर्ड की पावर के बारे में पढ़ना है. दैट इज सेक्शन 179. राइट, सेक्शन 179 किसका है? पावर ऑफ बोर्ड, और बोर्ड मीटिंग का सेक्शन 173. आप सुनना ध्यान से, हमने जब लास्ट क्लास करी थी हमने उसमें बताया था कि व्हाई कंपनी नीड डायरेक्टर्स. अच्छा, कंपनी को डायरेक्टर्स क्यों चाहिए? क्योंकि भाई कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो सारा काम खुद ब खुद नहीं कर सकते, यस और नो? इसीलिए कंपनी नीड्स डायरेक्टर. अब जब ये बात आती है कंपनी नीड्स डायरेक्टर, चलो ठीक है, डायरेक्टर का सेक्शन 2 क्लॉज 34 और बोर्ड का सेक्शन 2 क्लॉज 10 हमने यहां तक करा था. हमने ये बोला कि कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद को कुछ नहीं कर सकती. चलो हमने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लिए. अब डायरेक्टर्स अपॉइंट करके क्या, वो डायरेक्टर डिसीजन लेंगे कैसे?
फिर हमने कहा यार डिसीजन लेने के लिए तो उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, अब इकट्ठा होंगे तो वो मीटिंग कहलाएगी, राइट। तो हमने बोला कि डायरेक्टर डिसीजन कहाँ लेंगे, बोर्ड मीटिंग में। कहाँ डिसीजन लेंगे, बोर्ड मीटिंग में। अब मुझे बस एक बात बता दो, हम मान लो क्या हुआ, मेरी कंपनी में 10 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, 10 में से एक की शादी थी और बाकी 9 उसकी शादी पे गए। अच्छा, क्या जिसकी शादी थी वो होगा अपनी शादी में? जी डी सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या वो होंगे? बिल्कुल। क्या 9 डायरेक्टर्स और उनकी शादी में गए? हाँ। डायरेक्टर कितने हो गए? 10। अच्छा, 10 के 10 वहां गोलगप्पे के स्टॉल के पास मिल गए, पॉसिबल है? और उन्होंने कहा यार हम मिल तो गए हैं, मीटिंग यही कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो, जब मैं जनरल मीटिंग की बात करती हूँ, जनरल मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए या विद इन सेम सिटी भी होनी चाहिए, हम सबको पता है, पर बोर्ड मीटिंग में ऐसा कुछ है ही नहीं। बोर्ड मीटिंग कहीं भी करा लो, कभी भी करा लो। तो उन्होंने कहा यार गोलगप्पे खाते खाते, टिक्की खाते खाते, शादी है 10 मिनट लेट हो जाएगी, क्या हो गया, हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब क्या कोइंसिडेंटली जब वो डायरेक्टर्स मिले, क्या हम उसको बोर्ड मीटिंग बोल सकते हैं, यस और नो? एग्जामिनेशन क्वेश्चन, यस और नो? कोइंसिडेंटली एग्जाम्पल ले लो, दिवाली है, दिवाली पार्टी में 10 के 10 डायरेक्टर टकरा गए, पॉसिबल है? उन्होंने बोला अरे यार मीटिंग कर लेते, एक ही रेजोल्यूशन तो था हमारे पास, चलो निपटाते हैं काम को। क्या कोइंसिडेंटल मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी टर्म्ड एज बोर्ड मीटिंग, यस और नो? यस और नो? नो। आप देखो, बोर्ड मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कंडक्टेड, शुड बी प्रॉपरली कंडक्टेड। अगर आपके डायरेक्टर्स कोइंसिडेंटली मिल रहे हैं, दैट डज नॉट अमाउंट टू बोर्ड मीटिंग, ये बात ध्यान रखना, राइट? बिल्कुल, नोटिस जाता है एटलीस्ट, यार नोटिस जाता है वो तो 7 उसमें भी तो हो सकती है ना, शॉर्टर नोटिस पे भी तो हो सकती है, यू कैन नॉट से कि यार नोटिस जाता है। लिखो कोइंसिडेंटल मीटिंग ऑफ बोर्ड। बच्चे आप मेरी बात समझो ना, कह रहे शादी का वेन्यू डाल दिया, अब मतलब दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, वो बेचारा शादी करेगा बोर्ड मीटिंग करेगा? कोइंसिडेंटल मीटिंग ऑफ बोर्ड Does not amount to board meeting. हाँ जी, क्या डन है बच्चे यहां तक? वेरी गुड, वेरी गुड, यू गाइज आर सो इंटेलिजेंट। आ जाओ, अब आते मीटिंग। वो कह रहे देखो, फर्स्ट और सब्सिक्वेंट, नॉर्मली जब हमने इस क्लास में 173 किया तो आई गेस 2 क्लासेस लगी थी प्रॉपर कि हमने केसेस बना के देखी थी कि कंपनी इस टाइम पे इनकॉर्पोरेट हुई है तो कब करवानी है, इस टाइम पे इनकॉर्पोरेट हुई है तो कब करवानी है, बट ऑब्वियसली अभी टाइम नहीं है, सो विल मूव फास्ट, राइट? आइए, हाँ जी, देखो वो कह रहा है मीटिंग ऑफ बोर्ड, कंपनी शेल होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी पहली मीटिंग कब कराएगी? विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके विद इन 30 डेज, उसके विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 30 डेज क्या हो जानी चाहिए? बोर्ड मीटिंग। अच्छा, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग क्या हो जानी चाहिए? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, एंड देयर आफ्टर होल्ड मिनिमम ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग्स एवरी ईयर। मतलब मैं अगर ये बात बोलूं कि जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उस साल कंपनी को कितनी मीटिंग्स करानी है? 5। कितनी करानी है बच्चे? 5। क्या यहां तक डन है सबको? बस एक मिनट देना मुझे। जस्ट गिव मी अ मिनट। पटेल नगर चले गए क्या? बोलो पटेल नगर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम लोग आए तो हो, हद है क्या, दिखा था अंकुर, कोई बात नहीं, अरे क्या हो गया, आ जाओ जी, एक मिनट रुको बस। पटेल नगर जा रहे थे आप लोग? यार मैंने लक्ष्मी नगर स्पेसिफिकली बोला तो था, लड़के भूल जाते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा अदरवाइज लड़के भूल जाते हैं, मतलब लड़के, चलो खैर लेट्स नॉट डिस्कस इट। आ जाओ, अब सुनना ध्यान से,
अरे रुको तो सही, अभी तो देखो वो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगी, विदिन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब क्या होता है, उसके बाद, देयर आफ्टर मतलब उसके बाद, होल्ड अ मिनिमम मतलब एट लीस्ट 4 मीटिंग्स एवरी कैलेंडर ईयर। अब लॉ में वर्ड कैलेंडर ईयर यूज नहीं है, लॉ में वर्ड यूज है ईयर, तो अगर फाइनेंशियल ईयर है तो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ईयर लिखा होगा, बट अगर नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे, कैलेंडर, क्या मानेंगे बच्चे, कैलेंडर। क्या यहां तक ठीक है, फर्स्ट मीटिंग कब होगी, विद इन 30 डेज, और देयर आफ्टर एट लीस्ट 4 मीटिंग्स, और इस तरीके से होगी कि नॉट मोर देन 120 डेज शेल इंटरवीन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स। क्या डन है यहां तक, हमें को एक बात बताओ, लॉन्ग मेकर कहता है बोर्ड मीटिंग्स पे ना एलओडीआर तो लगेगा ही लगेगा, समझ रहे हो, साथ में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड भी लगेगा, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1। अगर मैं मेन सेक्रेटरी, वैसे तो 4 नोटिफाई किया है सीएसआई ने, बट मेन 2 ही है, SS1 एंड SS2। SS2 लगता है मेरे बच्चे जनरल मीटिंग पे, SS1 लगता है बोर्ड मीटिंग पे। तो राइट, जो मैं अभी आपको करवाऊंगी, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने एक रेगुलेशन की थी, रेगुलेशन 17 कंपोजिशन, राइट। तो अगर आपका एलओडीआर में से क्वेश्चन आता है तो वो मैक्सिमम रेगुलेशन 17 में से आएगा, डन। और इस चैप्टर में जो आपको करवाऊंगी दैट इज रेगुलेशन 29। कौन सी रेगुलेशन 29, मतलब अगर आपसे इसमें कोई पूछेगा तो वो मेजॉरिटी किस में से पूछेगा, 29 में से। क्या यहां तक डन है, तो हम लोगों को ये भी करना है। बच्चे बहुत टाइम से आ गए आप लोग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरे को जवाब देना। कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई है 15 जून, कब हुई है 15 जून, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की लास्ट डेट क्या है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की लास्ट डेट क्या है, व्हाट, कौन सी जुलाई, जुलाई तो सही, कौन सी जुलाई, 14 क्योंकि वो कह रहे विद इन 30 डेज करवानी है, यस और नो क्या कराना है, विद इन 30 डेज करवानी है। तो क्या यहां तक क्लियर है सबको, अब मुझे एक बात बताना, सुनना, लॉ में लैंग्वेज क्या लिखी हुई है कि भाई पहली बोर्ड मीटिंग 30 दिन के अंदर अंदर, और उसके बाद साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग इस तरीके से करवानी है कि अगर तुम मैक्सिमम गैप देखे ना 2 मीटिंग का, तो कितने से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 120 से ज्यादा। क्या यहां तक डन है सबको, मेरी बात सुनना, एक क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया हुआ है, राइट, आप देखते हैं कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना स्ट्रांग है। अब सुनना, मैंने एक पहली मीटिंग करवाई 1 जनवरी को, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर मैंने करवाई 15 अप्रैल को, सही जा रही हूं, 15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई से 15 जून, 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त, तो मैंने करा ली 12 अगस्त को, क्या सही जा रही हूं, 12 अगस्त से 12 सितंबर, 12 सितंबर से 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर से 12 नवंबर, ये 4 मीटिंग्स हो गई, क्या एकदम ठीक हुई है, यस और नो भाई को बताओ, क्या एकदम ठीक हुई है, यस और नो। अब केस क्या आया, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब केस ही आया कि मैंने अब साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स करवानी थी, और क्या हुआ, जो मेरी चौथी मीटिंग आई ना, वो कुछ ऐसा हो गया कि मेरी चौथी मीटिंग आई 30 दिसंबर को, कब आई चौथी मीटिंग, 30 दिसंबर को, कुछ भी हो सकता है, यस और नो भाई। मान लो यहां पे मैंने 1 फरवरी को करा ली, फिर मैंने 1 जून को करा ली, फिर मैंने 1 सितंबर को करा ली, देख लेना 120 डेज का गैप होगा, राइट, अभी मैं उस पे नहीं बात नहीं कर रही हूं। 30 दिसंबर को मेरी चौथी मीटिंग आई, अब अच्छा पांचवी होती तो कोई दिक्कत ही थी, क्योंकि लॉ तो कंप्लाई हो गया था, साल में 4 करवानी थी, चौथी मीटिंग आई मेरी 30 दिसंबर को, भाई मीटिंग में कोरम आई नहीं, मीटिंग में कोरम नहीं आई, मीटिंग शुरू नहीं हुई। अब जब कोरम की वजह से मीटिंग एडजर्न होती है तो नेक्स्ट वीक होती है, नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस, है ना। अब ये मीटिंग हो गई 6 जनवरी को, 6/5 देख लेना, 6/5 मान लो, 6 मान के चलते हैं, 6 जनवरी को ये मीटिंग एडजर्न हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, अब साल में कितनी करवानी होती है, 4, यहां कितनी करवाई, 3 करवाई, 1 अगले साल जा रही है, मतलब लॉ कॉन्ट्रावीन हुआ या नहीं हुआ, बताओ लॉ कॉन्ट्रावीन हुआ, यस और नो बता दो, हाँ या ना,
एग्जामिनेशन क्वेश्चन, नो लॉ कॉन्ट्रा भी नहीं हुआ सुनना, क्योंकि भाई मेरे को चार बुलानी जरूरी है ना, मेरे को चार बुलानी जरूरी है, अब मैंने बुला ली चौथी, अब भाई उसमें कोरम नहीं आई, इसमें मेरी क्या गलती है? सो नो, अब सुनना ध्यान से, 30 सितंबर को ये मीटिंग हो रही है और 6 जनवरी को मेरी एडजर्न है, तो मतलब इनमें 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि 120 दिन वाली कंडीशन तो लगेगी ही ना मेरे बच्चे, वो तो 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स के ऊपर लगती है, क्या बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आपने देखो 4 मीटिंग्स बुलानी थी, आपने बुलाई तो 4 ही ना, हाँ या ना? अब कोरम की वजह से अगर एडजर्न हो गई तो आपने लॉ तो कंप्लाई किया ना, अब आपकी मीटिंग एडजर्न हो गई, अब आप ये देखो कि ओरिजिनल मीटिंग और एडजर्न में 120 दिन से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पर जब कोरम की वजह से एडजर्न होती है तो नेक्स्ट वीक ही हो जाती है, तो लॉ ऐसे कंप्लाई है, राइट? अगर आपको इतना बेसिक नहीं पता होगा तो आप एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्या यहां तक डन हुई चीज है? आइए, अब हमें 2 चीजें नहीं पता लगी, एक तो ये वाली और एक कोइंसिडेंटल मीटिंग वाली, भाई ये तो मेरे को पता ही है, साल में 4 और 2 में मैक्सिमम 120 दिन का गैप। अब सुना ध्यान से, वो ये कह रहे जो ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है और स्टार्टअप में, सेक्शन 8 को भी छोड़ दो, ओपीसी का सेक्शन, एनी वन इन द क्लास, 2 क्लॉज 62, स्मॉल कंपनी का 2 क्लॉज 85, सेक्शन 8, डोरमेंट का 455। अब वो कह रहा है ये जो 4 कंपनीज है ना, इनको एक बोर्ड मीटिंग करानी है ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, मतलब जनवरी से जून, फिर जुलाई से दिसंबर, कितनी मीटिंग करानी है? एक ईच कैलेंडर हाफ में, एक मीटिंग पर। इनमें जो मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए वो 90 दिन का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो मिनिमम डिफरेंस है वो 90 दिन का, ऊपर क्या था? मैक्सिमम डिफरेंस कितने दिन का? 120 का, इसमें मिनिमम डिफरेंस कितने का? 90 का। अच्छा क्यों भाई, साल में 2 बार तो मिलना है, यस और नो? तो 90 दिन के बाद ही मिलो ना। अब आप देखो सुनना क्या करा आपने ना, ऐसे किया, एक मीटिंग करा ली 31 दिसंबर को न्यू ईयर ईव पे, रात को अपना पीवी के पार्टी करी, और सुबह जब हैंगओवर खत्म हुआ तो 1 जनवरी को फिर मीटिंग करा ली। आपने कहा जनवरी से जून की भी हो गई, जुलाई से दिसंबर की भी हो गई, और अगर आप यहां देखो तो क्या ड्रामेबाजी की है यहां पे तुमने, यस और नो? तो कह रहा अगर आप ओपीसी हो, आप स्टार्टअप हो, स्मॉल कंपनी हो, डोरमेंट हो, तो क्या करवाना आपको? तो मिनिमम गैप कितने का होना चाहिए? 90 का, और अगर बाकी सारी हो तो मैक्सिमम 120 का। आप सुनना, वो कह रहा अगर यही सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी को साल में 2 मीटिंग करानी है, जब मर्जी कराओ। देखो अब ये क्यों अलग से बता रही हूं, ओपीसी के केस में, स्मॉल कंपनी के केस में, डोरमेंट के केस में, स्टार्टअप के केस में मिनिमम डेज वाली कंडीशन लगती है कि मिनिमम 90 दिन का गैप होना चाहिए, यस और नो? बट सेक्शन 8 कंपनी के केस में सिर्फ ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन नहीं है। क्या डन हुई बात? पक्का पक्का। आप सुनना, वो क्या कह रहे हैं कि भाई तू बोर्ड मीटिंग में आ, चाहे वीसी से आ, चाहे फिजिकली आ, कोरम में काउंट होगा। बट अगर आपको याद हो, जनरल मीटिंग में फिजिकली आओगे तो कोरम में काउंट होगा, यस और नो? आप सुनना कि जनरल मीटिंग में वीसी का ऑप्शन था, उसमें भी था, याद है आप लोगों को? आप सुनना, वो कह रहा है बोर्ड मीटिंग हो रही है, चाहे आप आओ फिजिकली, चाहे आप आओ वीसीएसी, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्या आप कोरम में काउंट होगे? बिल्कुल आप कोरम में काउंट होंगे। अब सुनना ध्यान से, कंपनी है, बोर्ड ने डिसीजन लेना है, डन। कंपनी में क्या करना है? बोर्ड ने डिसीजन लेना है। तो 2 केस है, या तो बोर्ड मीटिंग कराओ या रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ये सुनो, 2 ही तो केस है, या तो क्या करवा, बोर्ड मीटिंग, या क्या हो, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। बोर्ड मीटिंग का सेक्शन 173, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का सेक्शन 175। बहुत सिंपल सी कि भाई बोर्ड मीटिंग या रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अब वो कह रहा है बोर्ड ने डिसीजन लेना है, या तो बोर्ड बीआर पास करके डिसीजन लेगा या यूबीआर पास करके डिसीजन लेगा, यस और नो? बीआर मतलब मेजॉरिटी और यूबीआर मतलब ऑल द डायरेक्टर्स। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कंपनी में 15 डायरेक्टर्स है, कितने डायरेक्टर्स हैं? 15। मीटिंग में 9 आए हैं, क्या पॉसिबल है? कंपनी में कितने डायरेक्टर प्रेजेंट है? 15। मीटिंग में कितने आए हैं? 9। अब सवाल, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन
मतलब 15 के 15 की डायरेक्टर की कंसेंट चाहिए या 9 डायरेक्टर की कंसेंट चाहिए? 9 की, कितने की? 9 की, 15 की नहीं। यूबीआर का मतलब क्या होता है? उन सब डायरेक्टर्स की कंसेंट लेना जो मीटिंग में प्रेजेंट है। सुनना, सब डायरेक्टर्स की कंसेंट लेना इज नॉट यूबीआर, उन डायरेक्टर्स की कंसेंट लेना जो मीटिंग में क्या है, प्रेजेंट है, इज यूबीआर। क्या डन हुई बात? पक्का पक्का। अब सुनना ध्यान से, अब वो कह रहा है भाई, अब क्या होता है नॉर्मली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जब डायरेक्टर पार्टिसिपेट करता है तो देखें ऐसा नहीं होना चाहिए पीछे उसके बच्चे खेल रहे हैं, राइट, वो रसोई में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, नहीं। बेसिकली रोल कॉल होती है, उसको बोलना पड़ता है कि इस कमरे में सिर्फ मैं हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है, मैं सुन रहा हूं, और जो पूरी मीटिंग है उसकी रिकॉर्डिंग होगी, और रिकॉर्डिंग इस तरीके से होगी कि जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट किया है वो भी प्रॉपर आए, दिखे कि वो कैसा दिख रहा है, यस और नो। सुनना, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या मुझे एक बात बताओ कि कोरम में काउंट होगा, हाँ या ना? पक्का पक्का। अब बोर्ड मीटिंग की बात कर रही हूं, बोर्ड मीटिंग कहां होगी? कहीं भी। कब होगी? कभी भी। क्या पेपर में ये लिखकर आओगे कहीं भी कभी भी? एनी टाइम एनी प्लेस। क्या बोर्ड मीटिंग इन इंडिया हो सकती है? आउटसाइड इंडिया हो सकती है, रजिस्टर्ड ऑफिस में हो सकती है, रात को 2 बजे हो सकती है, रात को 9 बजे हो सकती है। क्या होनी चाहिए? डायरेक्टर्स की मर्जी है, जब मिले तब करा ले, राइट। बोर्ड मीटिंग एनी टाइम एनी। क्या डन है यहां तक? अच्छा, तुमने मीटिंग करानी है तो नोटिस देना पड़ेगा, हाँ या ना? यार हम लोगों ने बात की थी, अगर कोइंसिडेंटली डायरेक्टर मिल गए दैट विल नॉट अमाउंट टू मीटिंग, क्योंकि क्या प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा? यस, आइए। वो कह रहा है मीटिंग ऑफ द बोर्ड शेल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 7 डेज नोटिस इन राइटिंग। अच्छा, नोटिस कहां जाएगा? राइटिंग में, एट एड्रेस, या तो ईमेल से, हैंड डिलीवरी, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड बोर्ड। एक बार दोबारा, ईमेल, हैंड डिलीवरी, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट। शॉर्टर नोटिस, अर्जेंट बिजनेस पे जाएगा, क्या लेस देन 7 डेज जा सकता है? यस। अब एक केस स्टडी, क्या सॉल्व करने को तैयार हो? पक्का पक्का। लग नहीं रहा वैसे मुझे तुम्हारा जोश देख करके ना आज, जस्ट। अच्छा, यूबीआर कहां कहां पास होगा क्या आप मुझे बता सकते हो? यूबीआर कहां कहां पास होगा? पिट जाओगे मुझसे, कहां पास होगा? एक सेक्शन 186, यस और नो, और एक रिमूवल ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, और एक सेक्शन 203, जब एमडी दूसरी कंपनी में अपॉइंट हो रहा है एज एमडी। बहुत बहुत बढ़िया, तुम्हें आता जाता नहीं है कुछ, मुझे लग गया पता। ये भी अब लिखवाना पड़ेगा क्या? अब सुनना, मेरी बोर्ड मीटिंग है 14th of November को, तो नोटिस कब तक जाना चाहिए? नोटिस की लास्ट डेट क्या होनी चाहिए? हां जी, नोटिस की लास्ट डेट क्या होनी चाहिए? मीटिंग कब है? 14 नवंबर। नोटिस की लास्ट डेट 1st नवंबर। बहुत बड़ी, 7 नवंबर, और बहुत बढ़िया। कब कब? अच्छा वैसे पहला तो कोई तुकी नहीं बनता ना, 14 को मीटिंग है, तुम एक को नोटिस भेज दो। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही हूं 7 दिन पहले जाएगा, 7 दिन, 7 दिन, 6, बहुत बढ़िया, 6, अच्छा, और 8, ठीक है। नल्लाए को नोटिस कब जाएगा? 7 दिन पहले। नोटिस कब जाएगा? 7 दिन पहले। अब सुनना ध्यान से, अब 7 दिन में SS1 बोलता है, सुनना, क्लियरिटी और ज्यादा आएगी। SS1 बोलता है डेट ऑफ नोटिस नीड नॉट टू बी एक्सक्लूडेड बट डेट ऑफ मीटिंग इज टू बी एक्सक्लूडेड। अच्छा, अब बच्चे ना इन छोटी छोटी बारीकियों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देखे जाते। अब पेपर में सच में कह रही हूं, अगर इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया बात खत्म, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि क्रक्स हर एक को पता होता है, 4-7 दिन का नोटिस जाएगा, ये दुनिया जहान को पता है
कि बोर्ड मीटिंग का कम से कम कितने दिन का नोटिस जाएगा? 7 दिन का। पर देखो तुम्हारे आंसर गलत आ रहे हैं, 1, 7, 6, 8। अब सुनना ध्यान से, SS1 क्या कहता है कि जिस दिन नोटिस जाएगा उसको इंक्लूड कर ले, उसको एक्सक्लूड मत कर, पर जिस दिन मीटिंग है उसको एक्सक्लूड कर। अब मीटिंग कब है? 14 नवंबर को। नोटिस कब भेजना है? एट लीस्ट 7 डेज बिफोर मीटिंग। तो अब बताओ नोटिस कब जाएगा? हां जी, अब बताओ कब जाएगा? 7 को। अब कब जाएगा? 7 को। क्या कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली हट गई? अब सुनना, अगर ये नोटिस पोस्ट से जाता तो कब जाएगा? 2 दिन पहले, मतलब 5 नवंबर को। हाँ या ना? क्या यहां तक बिल्कुल क्लियर है? अच्छा, अगर आपको पता हो तो जब मैं जनरल मीटिंग लेती हूँ वहां मैं डेट ऑफ नोटिस भी एक्सक्लूड करती हूँ और जनरल मीटिंग का दिन भी, क्योंकि वहां स्पेसिफिकली लिखा हुआ है यस और नो, 21 क्लियर डेज लिखा हुआ है, पर यहां सिर्फ क्या लिखा हुआ है? 7 डेज। और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है भाई? जिस दिन भेज रहा है उसको एक्सक्लूड मत कर, और जिस दिन मीटिंग है उसको एक्सक्लूड कर ले। तो अगर 14 को मीटिंग है तो 14 एक्सक्लूड कर लू, 14 से पहले 7 दिन, 13, 12, 11, 10, 8, 9, 7। तो मतलब 7 को भेजूंगी तो 7 इंक्लूड होगा ना, यस और नो? अच्छा, अगर 7 इंक्लूड नहीं होता तो क्या 6 को भेजना पड़ता? यस। और अगर पोस्ट से भेज रही हूं तो 2 दिन और पहले, मतलब 5 को। क्या दिस ओके टू यू ऑल? पक्का पक्का जल्दी बता दो, हाँ या ना? अब सुनना ध्यान से भाई, प्रूफ कि मैंने तुम्हें सेंड किया है नोटिस, इसका प्रूफ आई हैव टू मेंटेन फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, राइट? यस और नो? कि मैंने तुम्हें नोटिस सेंड किया है, इसका प्रूफ कम से कम अपने पास कितने दिन रखना है? 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3। क्या यहां तक डन है? अब सुनना क्या हुआ, नोटिस भेजने के कितने तरीके? 4। पहला ईमेल, हैंड डिलीवरी, स्पीड पोस्ट। दोबारा, पहला ईमेल, हैंड डिलीवरी, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर। तुमने मुझे बोला मैडम आप ना ईमेल कर देना मुझे, यार हमारा एरिया ऐसा ही है, पोस्टेज हमें रिसीव नहीं होती, आप ईमेल कर देना। पर मैंने तुम्हें ईमेल नहीं करा, मैंने तुम्हें स्पीड पोस्ट किया, तुम्हें रिसीव ही नहीं हुई, पर मेरी तरफ से तो ईमेल जा, मतलब मेरी तरफ से तो स्पीड पोस्ट जा चुकी है, तुम्हें रिसीव नहीं हुई, क्या ये मेरे पार्ट पे गलती है? यस। वो कह रहा अगर देखो वैसे इन चारों में से कुछ किसी भी तरीके से नोटिस भेज दे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सामने वाले बंदे ने बोला है कि नोटिस इस तरीके से आना चाहिए तो आप नोटिस उसी तरीके से भेजोगे। क्या यहां तक डन है मेरे बच्चे? पक्का पक्का? क्या ये जो इंडियन पोस्ट होते हैं ये रजिस्टर्ड पोस्ट ही तो होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं जो? आप लोग क्या कराते हो? आप लोग प्राइवेट प्लेयर से पोस्ट कराते हो? आप कभी गए हो पोस्ट ऑफिस? गए हो पोस्ट ऑफिस कभी? वहां का माहौल देखो, ये DTDC, ये अब आओ सुना मेरी बात, सुनना आप ध्यान से। अब एक क्वेश्चन, जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी है वो कितने साल के लिए मेंटेन करके रखनी है? 3 साल मिनिमम, 3 साल मिनिमम, 3 साल। यार कुछ आता वाता नहीं है तुम्हें? आइए चले, अब सवाल मेरा ये आता है, यार देख कंपनीज है सेक्शन 173 से लग रहे हैं भाई, इतने मुश्किल मुश्किल सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, चलो एलओडी यार तुमने लिस्टेड पे लगा दिया, कलेजे को ठंडक मिल गई तुम्हारे, पर अब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स क्यों लगा रहे हो? व्हाई अ कंपनी नीड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स? अच्छा, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इशू कौन करता है? ICSI, पता है ये सबको। व्हाई वी नीड टू फॉलो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड? अच्छा, ये बात लिखी कहां है कि हमें सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड फॉलो करने है? बताओ, आ जाओ, सेक्शन 118 याद है किसका है? सेक्शन 118, याद करो, याद करो, मिनट्स। सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 ये बोलता है हर कंपनी को SS1 और SS2 फॉलो करने हैं। अच्छा, जब ये बोल दिया तो लॉजिक हम अपने आप ही लगा लेते हैं कि हम CS हैं, सेक्रेटेरियल हमारा काम है तो फॉलो करने हैं, पर सच्चाई तो ये कि लिखा हुआ तो फॉलो करने हैं, अगर लिखा ही नहीं होता तो कैसे फॉलो करने थे तुम्हें? यस और नो? ये बात इस सेक्शन में लिखी हुई है। अच्छा, अगर तुम लिखाते हो सेक्शन 173 रेड विद LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, रेड विद सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 एंड एज पर सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एवरी कंपनी नीड्स टू ऑब्जर्व SS1 एंड SS2,
बात बताओ तुम्हारे क्वेश्चन को कि चार चांद लग जाएंगे नहीं लग जाएंगे, पर तुम एक लगाया हो वो भी बहुत है, चार के चक्कर में मत रहना, राइट। आइए क्या यहां तक ठीक है बच्चे, आगे चले। अब आइए, वो कह रहे देख भाई नोटिस चाहिए कम से कम 7 दिन का, अरे शॉर्ट नोटिस करा ले यार कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्ट नोटिस कब कराओगे, ऑब्वियसली जब अर्जेंट बिजनेस है, जब क्या है अर्जेंट बिजनेस। अब भाई आप शॉर्ट नोटिस में मीटिंग करा रहे हो, अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, वो मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है तो आप मीटिंग में डिसीजन लो, सब डायरेक्टर्स को सर्कुलेट कर दो डिसीजन, बट वो फाइनल तभी होगा जब रेटिफाई करेगा उसे कौन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर मेरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, डिसीजन लो, सर्कुलेट कर दो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, फाइनल कब होंगे जब रेटिफाई करेंगे मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। क्या डन है यहां तक, आइए। अगर आप शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग करा रहे हो, वॉल्यूम बड़ा है क्या, ज्यादा है मतलब, हाँ जी देखो अगर आप शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग करा, आवाज आ रही है, मैं तो बहुत आराम से बोल रही हूँ यार, सच में ये आवाज तेज नहीं है मेरी। आइए सुनो, अगर आप शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग करा रहे हो, नॉर्मली मीटिंग का कितने दिन का नोटिस जाएगा, 7 डेज। शॉर्टर नोटिस पे करा रहे हो तो लेस देन 7 डेज, अर्जेंट बिजनेस होना चाहिए। कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, नहीं है तो भाई सब डायरेक्टर्स को भेजोगे, फाइनल कब होगा, व्हेन रेटिफाइड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो भी रेजोल्यूशन पास करोगे, फाइनल कब होगा, रेटिफाई बाय मेजोरिटी। व्हाट डू मीन बाय रेटिफिकेशन, हां जी रेटिफिकेशन का क्या मतलब है, अप्रूव मतलब कंफर्मेशन, क्या मतलब है कंफर्मेशन, आप सुनना ध्यान से। अब एक रेगुलेशन, रेगुलेशन 29, प्लीज नोट इट डाउन बिकॉज ये आई गेस मोस्ट इग्नोर्ड चीज है, मोस्ट इग्नोर्ड मतलब मुझे ऐसा लगता है तुम्हें, तो तुम्हें जितने लाइव बच्चे बैठे हैं शायद उनको नहीं पता होगा। रेगुलेशन 29 लॉ मेकर ये बोलता है, ब्रो सुन तू लिस्टेड कंपनी है, हाँ, तू बोर्ड मीटिंग करा रही है, हाँ, अगर तू इन मैटर्स पे बोर्ड मीटिंग करा रही है ना, तो बोर्ड मीटिंग करवाने से पहले, सुनना बाद में नहीं पहले, सभी को बता दियो। सुनो बोर्ड मीटिंग के बाद बताए नहीं बताए कुछ नहीं बता, अगर तू इन मैटर्स पे मीटिंग करा रही है, कौन से मैटर देखेंगे, अगर तू, हेलो, अगर तू इन मैटर्स पे मीटिंग करा रही है तो किसको बताना है, किसको बताना है, बता दोगे क्या वो मैटर्स जानना चाहते हो, आ जाओ बता लो, आओ द लिस्टेड कंपनी। अच्छा रेगुलेशन 29 किसकी, कंपनीज एक्ट की, फिर किसकी, एलओडीआर। अच्छा एलओडीआर की फुल फॉर्म ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आ जाओ वो क्या कह रहे हैं, द लिस्टेड एंटिटी शेल गिव प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। आइए प्रायर टू वर्किंग डेज, फाइव वर्किंग डेज एंड 11 वर्किंग डेज। हां जी टू वर्किंग डेज, फाइव वर्किंग डेज एंड 11 वर्किंग डेज। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिन पे बोर्ड मीटिंग हो रही है तो 2 वर्किंग डेज पहले हम स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनमें 5 वर्किंग डेज पहले बताएंगे, एंड कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनमें 11 वर्किंग डेज पहले बताएंगे। क्या डन है यहां तक, पक्का पक्का, आइए। वर्किंग डेज का मतलब डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड होंगे, क्या होंगे बच्चे, एक्सक्लूड। आइए वर्किंग डेज ऑब्वियसली मंडे टू फ्राइडे होते हैं, पता है आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज, और उसमें से भी अगर कोई त्योहार की छुट्टी है तो फिर वो वर्किंग डे नहीं कहलाएगा। जब आप 2 दिन देखोगे तो डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ मीटिंग क्या हो जाएगा, हेलो, एक्सक्लूड।
अब वो कह रहा है इन मैटर्स पे 2 दिन पहले, इन मैटर्स पे 5 दिन पहले और इन पे 11 दिन पहले। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सुनना क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि कंपनी ये मीटिंग करा रही है, बोर्ड मीटिंग, सारा क्वेश्चन सेम होगा। आप बताओ स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है या नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा 2 दिन वाला, 5 दिन वाला, 11 दिन वाला है। मैं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि पेपर में आ चुका है, मेरे को कोई शौक नहीं है कराने का, पेपर में आ चुका है। तो मतलब आज की पूरी क्लास सिर्फ और सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स होगी। बहुत पढ़ लिया, बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, अब लास्ट चीज बची है क्या, बस अब मैं बोल नहीं सकती, बट एक ही चीज बची है, लर्न करना, वही तो बचा, और क्या बचा है भाई, सारा कुछ हमने कर लिया, राइट। अब आ जाओ, अब तुम्हें ये फोकस करना है कि कुछ भी हो जाए, कोई प्रोविजन छूटे नहीं, नहीं भी आ रही तो रट्टा मार लो। देखो कहने में ये चीज बहुत बच्चे पकड़ लेंगे कि मैम आप कह रहे हो रट्टा मार लो, बट पेपर में टाइम रह नहीं गया, अब जितना समझना था तुम समझ चुके हो, ठीक है, 6 महीने तुमने समझ लिया। अब अगर कोई प्रोविजन मुश्किल लग रही है, अब मान लो ये है बोरिंग लग रहा है क्योंकि लर्न करना है, 2 दिन पहले पर कर लो, क्योंकि पेपर में आ गया तो वहां बोरिंग इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होगा, वहां सिर्फ नंबर होंगे, राइट। तो बहुत ब्लंटली आ जाओ, यहां तक लिख लिया मेरे बच्चे सबने, आइए पहले मैटर्स लिखते हैं। देखो प्रपोजल ऑफ बायबैक, क्या मेरे बच्चों को बायबैक का सेक्शन पता है, क्या सेक्शन 68। अच्छा शेयर कैपिटल की रिवीजन ले लें, किस दिन में पूरा शेयर कैपिटल, राइट। दो दो घंटे की क्या लेनी है यार, एक ही दिन में करके खत्म करते हैं। दिवाली 12 की है, 15-16 को रखते हैं, सब दिवाली से फ्री हो जाएंगे, राइट। आइए मतलब 15-16 में से एक दिन रखते हैं, आइए प्रपोजल ऑफ बायबैक, ठीक है। उसके बाद वॉलंटरी डीलिस्टिंग, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस इशू, जनरल मीटिंग की है, ट्यूसडे जनरल मीटिंग है तुम्हारा, जनरल मीटिंग तो एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, राइट। आइए फंड रेजिंग बाय वे ऑफ फर्दर पब्लिक इशू, राइट इशू। एग्जाम से पहले ना तुम्हारी सुपर 50 सेक्शंस की क्लास ले लेंगे, जो लर्न होना जरूरी ही जरूरी है, बट अभी अभी फोकस करो कि सब चीजें करो, राइट। देखो केएमपी क्वेश्चंस जो भी बचेंगे कल क्लास हो जाएगी, बस कल के बाद बोर्ड नहीं खींचेगा तुम्हारा, क्या यहां तक डन है? मतलब अगर इन मैटर पे डिस्कशन हो रही है, मान लो 17 को मीटिंग है, तो कब नोटिफाई करना है स्टॉक एक्सचेंज को? 2 वर्किंग डेज, 16-15 मतलब 14 को, क्योंकि डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ मीटिंग तो एक्सक्लूड होता है ना, तो दोनों 15 और 16 दिन बीच में 2 दिन आएंगे। अच्छा अगर 16 को छुट्टी है तो 13 को, हाँ या ना, इस तरीके से करना कि बीच में 2 वर्किंग डेज आ जाए। अब 2 वर्किंग डेज किसके लिए है, सुनना, बोनस इशू, 2B मतलब बोनस इशू बायबैक, उसके बाद आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, डिक्लेयर कब करता है बोर्ड, इंटरिम, रिकमेंड कब करता है फाइनल, यस और नो, और उसके बाद फर्दर पब्लिक इशू, वॉलंटरी डीलिस्टिंग, इन सब केसेस में 2 दिन पहले आपको किसको बताना है, स्टॉक एक्सचेंज को। और अगर 5 दिन पहले, अगर तुम्हारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल, जिस मीटिंग में तुम्हारे फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस हो रहे हैं उस मीटिंग के बाद बताना, पहले पहले कम से कम कितना टाइम पहले, 5 वर्किंग डेज, और 11 वर्किंग डेज एनी ऑल्ट्रेशन इन नेचर ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज and any change in date of redemption and
एनी चेंज इन डेट ऑफ रिडम्पशन और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब देखो मैं रिवीजन में ये करा रही हूं, 1000% कंटेंट है, मेक श्योर यार प्लीज करके जाना, कुछ छोड़ के मत जाना, एटलीस्ट जो रिवीजन में हो रहा है जस्ट डू इट राइट। आइए, हाँ जी एक बार इसे लर्न करते हैं, चले। अब सुनना, देखो ना क्वेश्चन ना यही यही से आते हैं, जैसे तुम्हें अभी एक क्वेश्चन पूछा था कोइंसिडेंटल मीटिंग वाला, उसके बाद तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था मीटिंग एडजर्न हो गई, यस और नो, उसके बाद यहां इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है रेगुलेशन 29 में से। अब क्वेश्चन एग्जामिनर कभी डायरेक्ट नहीं देता, हमेशा इनडायरेक्ट देता है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। क्या हमारे माइंड में 2, 5 और 11 क्लियर है? अपने माइंड में पहले 3 बाइफर्केशन कर लो, अपने माइंड में 2, 5 और 11 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज मतलब कि भाई जिस दिन जा रहा है और जिस दिन मीटिंग है दोनों एक्सक्लूड है। 5 वर्किंग डेज सिर्फ एक दिन एक चीज में, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, क्वार्टरली एनुअली कुछ भी हो, फाइनेंशियल रिजल्ट्स 5 दिन। 11 दो चीजों में है, या तो डिबेंचर की रिडम्पशन डेट चेंज कर रहे हो, या उसका इंटरेस्ट चेंज कर रहे हो, या फिर जो सिक्योरिटी लिस्टेड है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर रहे हो, बिकॉज बड़ा काम है तो 11 दिन और 2 दिन 2 बीबी बाय बैक और बोनस, फिर उसके बाद डिविडेंड आ गया, फिर उसके बाद फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स आ गया, फिर उसके बाद वॉलंटरी डील लिस्टिंग। क्या इस तरीके से अगर ट्राई करोगे तो चीजें 100% दिमाग में बैठ जाएंगी, क्लियर? अब एक सवाल आया था, सुनना क्या सवाल था। क्या डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड कर सकता है? 100 बच्चों को ये पता था पर फिर भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अब सुनना, एक डायरेक्टर को कब इंटीमेट करना है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करूंगा, बताओ बताओ, क्या तुम्हें ये बात पता है? क्या मैंने बताई हुई है नलायको? तुमने क्लास लिया, तुम्हें तो बताई हुई है ये बात। सुनना भाई, तुम डायरेक्टर हो, यू विश टू अटेंड मीटिंग्स थ्रू वर्चुअल मोड राइट, वीसी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तुम्हें साल की शुरुआत में, कैलेंडर ईयर, तुम्हें साल की शुरुआत में सीएस को, या अगर सीएस नहीं है तो एक ऑथराइज पर्सन को बताना है कि मैं इस पूरे साल मीटिंग कैसे अटेंड करूंगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कैसे अटेंड करूंगा थ्रू, सो दैट पता हो कि इस पूरे साल तुम मीटिंग थ्रू वीसी से अटेंड करने वाले हो और हम प्रॉपर अपना इंतजाम करके रखें। अच्छा, मैंने तुम्हें साल की शुरुआत में बोला कि मैं मीटिंग अटेंड करूंगा वीसी से, पर मैं फिजिकली आ गई तो क्या मैं आ सकती हूँ? यस। अब सुनना, अब मैं साल की शुरुआत में बताना भूल गई, वैसे तो कब बताना है, कैलेंडर की स्टार्टिंग में, बट अगर मैं बताना भूल गई तो मीटिंग से इतना टाइम पहले बताना है कि सारी इंतजाम हो सके, दैट इज रीजनेबल टाइम, दैट इज व्हाट रीजनेबल टाइम, लिटरली इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब जिस बच्चे को नहीं आता वो नहीं कर पाएगा इसको, समझ पा रहे हो बात को? तो नॉर्मली डायरेक्टर की ड्यूटी कब है कि वो कैलेंडर ईयर में बता दे कि भाई इस साल में मीटिंग कैसे अटेंड करूंगा वर्चुअली। अच्छा, चाहे वो बता भी दे बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैन्युअली अटेंड कर ही नहीं सकता। भैया प्लीज पंखा चला दो, गर्मी लग रही है। डन। बट अच्छा सुनना, अगर उसने बता दिया तो वर्चुअली भी आ सकता है, बट अगर उसने कैलेंडर में नहीं बताया उसके बाद भी क्या वो बता सकता है? यस, पर एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो जितने भी ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लॉ में ना अभी आप लोग बेसिकली एक तरीके से अभी पेपर के लिए पढ़ रहे हो, बट जब आप प्रैक्टिकलिटी में जाके वर्चुअल मीटिंग्स कराते हो ना तो आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, हर सॉफ्टवेयर का, टाइम स्टैम्प्स का, वीडियो ऑफ नहीं होनी चाहिए। राइटिंग सेशन में क्या होता है, बच्चे माइक ऑफ वीडियो ऑफ, बट आप बोर्ड मीटिंग में ऐसे नहीं बैठ सकते अपनी वीडियो ऑफ करके राइट। आइए लिखो, डायरेक्टर में, यही पे लिखवा रही हूं मैं। अच्छा, बीच बीच में मैं जो लिखवा रही हूं ना, जस्ट राइट इट डाउन, डायरेक्टर में ऑल्सो इन्फॉर्म इन द बिगिनिंग ऑफ कैलेंडर ईयर दैट ही विल पार्टिसिपेट थ्रू वीसी। क्या डन है?
अच्छा चेयरमैन ऑफ बोर्ड मीटिंग कौन होगा? चेयरमैन ऑफ बोर्ड मीटिंग कौन होगा? चेयरमैन ऑफ बोर्ड, यस और नो? अब भाई अगर चेयरमैन ऑफ बोर्ड नहीं है तो चेयरमैन ऑफ स्पेसिफिक बोर्ड मीटिंग याद है आपको करवाया हुआ है? याद तो तुम्हें सारा है। अब सुनना ध्यान से, वो क्या कहता है सुनना। बच्चे राइटिंग सेशंस चल रहे हैं, ज्वाइन करने का प्रोसेस कुछ भी नहीं है, जस्ट यू हैव टू फिल गूगल फॉर्म, दैट्स इट। अब सुनना, वो कह रहा है अ न्यू आइटम कैन बी एडेड इन द एजेंडा। मान लो मेरे यू गाइस नो एजेंडा, जो बिजनेस दैट नीडेड टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग, उन्हें क्या बोलते हैं? एजेंडास। अब वो कह रहा है मैं, मेरा नोटिस गया, नोटिस में पांच एजेंडास थे। कितने एजेंडास थे? पांच। अब क्या हुआ, अब मीटिंग में आके हमें ऐसा लगता है यार एक और होना चाहिए, तो क्या एड ऑन हो सकता है? यस, पर कब? विद द परमिशन ऑफ चेयरपर्सन एंड माय मेजोरिटी ऑफ, विद द परमिशन ऑफ एंड माय मेजोरिटी ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन। पूछू? सुनना, कंपनी टोटल डायरेक्टर्स 9, टोटल डायरेक्टर्स मीटिंग में आए 5। कितने आए? 5। नया एजेंडा लेना था, डन। 3 इंक्लूडिंग चेयरमैन, उन्होंने हाँ कर दी। क्या नया एजेंडा ले सकते हैं? क्या नया एजेंडा ले सकते हैं? क्या नया एजेंडा ले सकते हैं? गलत बच्चे, चेयरमैन एंड बाय मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। यहां सुनना, मीटिंग में 5 थे, 5 की मेजोरिटी कितनी? इंक्लूडिंग चेयरमैन है ना, चेयरमैन एंड मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर है, वर्ड क्या है? चेयरमैन एंड मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। अब सुनना ध्यान से, टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं? 9। कितने हैं बच्चे? 9, जिसमें से मीटिंग में 6 डायरेक्टर्स आए, ठीक है। अब क्या हुआ, सॉरी, कितने डायरेक्टर्स आए मीटिंग में? 6। अब इसमें क्या हुआ, कंसेंट ऑब्टेन्ड हुई ओनली फ्रॉम 3 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन। क्या नया एजेंडा ले सकते हो? क्या नया एजेंडा ले सकते हो? नहीं। नया एजेंडा लेना तो क्या होगा, विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन एंड विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्ट, विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्ट। मतलब सुनना, टोटल डायरेक्टर्स प्रेजेंट है 6, 4 की कंसेंट आ गई, जिसमें से चेयरमैन नहीं था, जिसमें से चेयरमैन नहीं था, क्या एजेंडा ले सकते हो? 4 की कंसेंट आ गई पर उसमें से चेयरमैन कोई नहीं था, तो कह रहे कितनों की कंसेंट? चेयरमैन एंड मेजोरिटी ऑफ डायरेक्ट, चेयरमैन एंड मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। इसमें ना होगा, इसमें यस कर लेना, होगा, क्योंकि 5 डायरेक्टर्स है ना, 3 तो मतलब चेयरमैन भी है और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स भी है, राइट। आइए क्या आगे चले, एक और क्वेश्चन दे दूं, एक मिनट रुको। टोटल डायरेक्टर्स 6 आए, कितने आए? कंसेंट 4 की आ गई इंक्लूडिंग चेयरमैन, हो जाएगा ऊपर वाले में यस था, हो जाएगा। सुनो, क्योंकि क्या चेयरमैन की कंसेंट है, क्या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की भी है? यस, 6 में से 4 चेयरमैन भी तो डायरेक्टर ही होगा ना, चेयरमैन कौन होगा? डायरेक्टर ही तो होगा, यस। ऊपर वाले में भी ना आंसर यस है, राइट। मैं 6 की हिसाब ले लिया था, 5 ही का, 5 का था तो 3 आए, तो मेजोरिटी प्लस इंडिपेंडेंट, क्या यहां तक डन है? अच्छा, अब इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, बट अगर आप देखो आपके सामने अगर आप प्रिपेयर नहीं होके जाओगे तो आप वहां आंसर नहीं कर पाओगे। अच्छा, नया एजेंडा ले सकते हो? पहले मुझे बताओ क्या ले सकते हो, कितने कंडीशन? पहला चेयरमैन और दूसरा मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। क्या दिस इज डन बच्चे? चेयरमैन तो कंपलसरी ही है, हाँ हाँ हाँ। आओ अब बात आती है कोरम की। अच्छा, अगर आपको याद हो तो कोरम पे याद है हमने कितना टाइम लगाया था, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर, मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर आपने वो क्लास सही से देखी हो तो दिमाग कहीं ना कहीं तो घुमा ही होगा। बट ऑब्वियसली आज तुम्हारा मेरा पर्पस दिमाग घुमाना नहीं है, ना ही इंटरप्रिटेशन कराना है। आ जाओ, वो कह रहा ब्रो देख, मीटिंग में
मिनिमम नंबर तो चाहिए ना, हाँ है ना। अब सुनना क्या हुआ, एक एग्जाम्पल। क्लास शुरू हुई, क्लास में 50 बच्चे थे, ब्रेक हुई, 45 घर चले गए, 5 रह गए। क्या मैं क्लास कैंसिल कर दूं या चलाऊं? चलो देखते हैं, आ जाओ सुनना। वो कह रहा कोरम, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स दैट शुड बी प्रेजेंट एट मीटिंग। अब सुन लो, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, कितनी कोरम? 1/3 और 2, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज हायर। तो बोलो हायर, हायर को हायर बोलो ना, फिर बोलो हायर। ए, क्या ये लोअर बन के बैठे हो? मुझे एक बात बताओ, कोरम कितनी? 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स और विच एवर इज, पक्का पक्का, कोई दिक्कत? आ जाओ, क्वेश्चंस देख रही हूँ, एक मिनट तुम्हारे लिए। और यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन तो मैं बता दिया ना, कितने तीन कहाँ कहाँ लगेंगे। जो जो मैं परसों कराया तो तुमने घर जाके कुछ रिवाइज वगैरह किया कि ऐसे ही आ गए हो? हाँ किया था, विश्वास कर लूं तुम्हारा? चलो ठीक है, ओके। अब सुनना, वो कह रहा जो टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज हैं, अच्छा नॉर्मल कोरम कितनी होती है? 1/3 और 2, विच एवर इज। तो इस केस में कोरम होगी 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और 2 की जगह आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? विच एवर इज, शायद लिखवाया होगा तुम्हें या नहीं लिखवाया, विच एवर इज हायर। अच्छा सुनना, के इंटरेस्टेड डायरेक्टर काउंट होगा फॉर द पर्पस ऑफ कोरम? नो, क्या इंटरेस्टेड डायरेक्टर कोरम में काउंट होगा, येस और नो? नो। अच्छा सुनना, अब मेरी बात सुनो, क्या इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट कर सकता है? हेलो जिंदा लाशों, क्या इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट कर सकता है? नहीं। डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। कोरम में काउंट होगा? नहीं। मीटिंग में आके बैठ सकता है? हाँ, मीटिंग में आके बैठ सकता है, हाँ। पर सोचो यार, वो कितना इग्नोर्ड फील करेगा। आइए अब एक और चीज कराऊंगी, कंफ्यूज मत होना। क्या यहां तक डन है? अब आ जाओ, कंपनी बाय इट्स एओए कैन फिक्स हायर नंबर ऑफ कोरम, हाँ या ना? सुनना, कंपनी में 12 डायरेक्टर, कोरम कितनी होगी? कोरम कितनी? हेलो, 1/3 और 2, विच एवर इज। 1/3 कितना? 4 और 2 में से बड़ा कौन? पक्का पक्का। तो कोरम कितनी होनी चाहिए? क्या कंपनी बोल सकती है मेरी कोरम तो 6 है? बोल सकती है कि कंपनी बोल सकती है मेरी कोरम 3 है? ये थोड़ी बोल सकती है भाई, अपने आर्टिकल्स में आप कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते विच इज अगेंस्ट लॉ, यस और नो? सुनना, तो कंपनी बाय इट्स आर्टिकल कैन फिक्स हायर नंबर ऑफ कोरम, पार्टिसिपेशन थ्रू वीसी कैन बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। क्या यहां तक डन है? हेलो जिंदा लाशो, पक्का पक्का। सुनो ये क्या हो रहा है, अब अगर वो कह रहा सेक्शन 8 कंपनी है तो कोरम कितनी होगी, क्या किसी को पता है? सेक्शन 8 कंपनी कोरम कितनी? या तो 8 मेंबर्स, या तो ये तुम्हें लिखवाया हुआ है, और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। लिखवाया है ये, मैंने खुद लिखवाया सेक्शन 8 कंपनी की कोरम, तुमने लिखा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता यार, नहीं लिखवाया तुम्हें, लिखवाया पर फिर मैंने किसको लिखवाया भाई? नहीं यार, सेक्शन 8। अच्छा सेक्शन 8 कंपनी की क्या कोरम है? या तो 8 मेंबर, या 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, विच एवर इज हायर। अब सेक्शन 8 कंपनी 10 मेंबर्स, कोरम कितनी? कोरम कितनी? या तो 8 मेंबर्स, या तो इसका 25, इसका 25 कितना आएगा? 2.5, 3 ले लेंगे ना, मैथमेटिकल राउंडिंग ऑफ चलेगी ना,
विच एवर इज, तो लेस क्या है? अब मान लो 12 मेंबर है तो कोरम कितनी? अब तुमसे पारा 25% नहीं होने वाला यार, तीन आता है पक्का, चलो तीन, तो हायर क्या होगा? इसमें तो लोअर लेंगे पर तीन, तो कोरम क्या होगी? तीन। तो मतलब अगर आप ध्यान से देखो, क्या कोरम भी तीन चीजें हैं? एक तो नॉर्मल, नॉर्मल या तो 1/3 और 2, विच एवर इज, माइंड में बनाओ, विच एवर इज हायर, टॉप 2000, 1/3 और 3, विच एवर इज हायर, और सेक्शन 8, या तो 8 मेंबर या 25%, विच एवर इज लोअर। अब क्या यहां तक ठीक है? अब आती है बिगेस्ट ड्रामेबाजी, इंटरेस्टेड डायरेक्टर की। ब्रो सुन, इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, कैन नॉट डिस्कस, कैन नॉट वोट, बट कैन सिट। सिट को हमने क्या करना? चार पाना उसका, हाँ या ना? अब सुना ध्यान से, वो ये कह रहा है कि अगर कंपनी में कभी भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 से ज्यादा हो जाते हैं तो जो बैलेंस बचा है 2, वो क्या होगी? कोरम। वो क्या होगी? कोरम। अब क्या आपको याद है कोरम का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है कोरम का? आ सुनना, मेरे टोटल डायरेक्टर 12, कोरम कितनी? कोरम कितनी? मीटिंग में प्रेजेंट है 6, कोरम कितनी मानेंगे? 6। बता दो, टोटल डायरेक्टर कितना है? 12, कोरम कितनी? 4, मीटिंग में प्रेजेंट है 6, कोरम कितनी मानेंगे? भाई कोरम तो 4 ही रहेगी ना, मीटिंग कैसे शुरू करेंगे कि भाई कोरम है चलो, कोरम है चलो। कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर, जितने प्रेजेंट है उसको थोड़ी कोरम बोलते हैं। यस और नो, जितने प्रेजेंट है उनको थोड़ी कोरम बोलते हैं। कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर, दैट्स इट। हम क्या बोलेंगे? कोरम प्रेजेंट है चलो आगे, कोरम से ज्यादा ही है, हाँ या ना? अब सुनना बिल्कुल ध्यान से यार, इंटरेस्टेड डायरेक्टर समझा दूंगी समझा दूंगी समझा दूंगी। इंटरेस्टेड डायरेक्टर आएगा 184 में, किसमें आएगा? 184 में। अब सुनो, अब क्या हुआ? मेरी कंपनी है, टोटल डायरेक्टर 12, ठीक है, कोरम 4, बात खत्म। क्या पेपर में यह सवाल आएगा? जिंदगी में कभी नहीं। अब सुनना, अब वो कह रहा अगर, देखो वैसे तो कोरम हमेशा ऐसे ही निकलेगी 1/3, बट अगर कभी भी जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है ना वो टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 या उससे ज्यादा हो गए, इंटरेस्टेड डायरेक्टर टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 या उससे ज्यादा, इंटरेस्टेड डायरेक्टर टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 या उससे ज्यादा, ये प्रोविजन तभी लगेगी। कब लगेगी ये प्रोविजन? इंटरेस्टेड डायरेक्टर टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 से ज्यादा। 2x पे बोलो ना, क्या राम राम से मर मर के बोल रहे हो? इंटरेस्टेड डायरेक्टर टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 से ज्यादा, हाँ या ना? तब मिनिमम 2 डायरेक्टर जो बचे होंगे उनको क्या बोल दिया जाएगा? कोरम। क्योंकि भाई एक मीटिंग तो खुद एक में हो ही नहीं सकती, व्लॉगिंग तो कर नहीं रही तुम यहां, यस और नो? अब सुनना, टोटल डायरेक्टर कितने? 12, ठीक है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर 3, मीटिंग में आए हैं 3 डायरेक्टर, क्या कोरम है या नहीं है? कोरम है या नहीं है? कोरम है या नहीं है? पक्का पक्का? अच्छा कोरम क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आप ये देख रहे हो, आप मेरी बात, नॉर्मली हमेशा जिस तरीके से फर्स्ट में निकलती है वैसे निकलेगी, 1/3 और 2, विच एवर इज, अरे अच्छा 12 का 1/3 और 2, विच एवर इज, अच्छा। बट अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 से ज्यादा हो जाएंगे तो दूसरा वाला प्रोविजन लगेगा। इंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने हैं? क्या 2/3 है? क्या उससे ज्यादा है? तो वाला प्रोविजन तो लगेगा ही नहीं। 4 और 2, विच एवर इज हायर। हायर क्या है? हैं कितने? क्या कोरम है? नहीं। यस और नो? समझ पा रहे हो बात को? सुनना, टोटल डायरेक्टर 12 है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर 10 है, मीटिंग में प्रेजेंट 6 है, प्रेजेंट तो हो ही सकते हैं, क्या कोरम है? क्या कोरम है? और ये 6 के 6 इंटरेस्टेड है, क्या कोरम है? आप देखो ना, आप कह रहे हो यस, आप यस कैसे कह रहे हो? आपको क्या पता 6 में से जो प्रेजेंट है? अब 6 में से सुनना, 4 इंटरेस्टेड है, 2 नॉन इंटरेस्टेड है, क्या कोरम है? यस। क्यों? क्योंकि इसमें 2/3 वाला लग गया,
ट्वेल्व का टू बाय थर्ड कितना होता है? नौ आठ, सॉरी दस आठ से ज्यादा कम है, तो जो दो डायरेक्ट नॉन इंटरेस्टेड है वो क्या हो जाएंगे? कोरम। वो क्या हो जाएंगे? आठ ज्यादा दस से ज्यादा है ना, राइट? क्या यहां तक डन है बच्चे? जल्दी जल्दी तो नहीं लग रहा, सही है ना? आ जाओ, आओ। क्या यहां तक बिल्कुल ठीक है? मेरे को बताओ कोई दिक्कत? अच्छा सुनो, अब तुमने डायरेक्टर्स को मीटिंग का नोटिस नहीं दिया, मीटिंग वैलिड इनवैलिड, वैलिड इनवैलिड, हेलो लिखो, इफ नोटिस ऑफ मीटिंग इज नॉट गिवन टू इवन वन ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड इज इनवैलिड एंड जो रेजोल्यूशन पास होगा वो इनऑपरेटिव होगा। आइए चले आगे, लिखेंगे ना कोरम इज नॉट प्रेजेंट, हां जी आगे चले। अब सुनना, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड वन बोलता है कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, ठीक है? मतलब अगर मैटर वन में कोरम है, टू में भी होनी चाहिए, थ्री में भी होनी चाहिए, फोर में भी होनी चाहिए, फाइव में भी होनी चाहिए। क्या डन है यहां तक? आगे चले, वो कह रहा देख, इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम एंड कैन नॉट टेक पार्ट इन द डिस्कशन, बट फॉर द प्राइवेट कंपनी इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन टेक पार्ट इन द डिस्कशन एंड कैन बी काउंटेड फॉर द कोरम इफ ही डिस्क्लोजेस हिज इंटरेस्ट। क्या समझ आ गया? क्या पब्लिक कंपनी के केस में, हेलो, इंटरेस्टेड डायरेक्टर कोरम में काउंट होगा, मीटिंग में आएगा, आ सकता है, डिस्कशन करेगा, पर क्या प्राइवेट में वो सारे काम कर सकता है? आफ्टर डिस्क्लोजिंग इंटरेस्ट। क्या यहां तक क्लियर है? अब लॉ में एक लैंग्वेज लिखी है बहुत प्यारी सी, इफ मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम, इफ मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम दैट मीटिंग कैन एडजर्न टू द नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लाइज अंटिल अनलेस एओए प्रिस्क्राइब समथिंग अदर्स। आओ, ये ना शायद इसमें लिखा नहीं हुआ, तुम्हारे बुक में तो लिखा होगा ना, नोटबुक्स में तो तुम्हें लिखवाया होगा एडजर्नमेंट वाली बात। सुनो अब देखो, ये लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि इफ मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड, लिख लो तुम, फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम अनलेस आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब्स मीटिंग शेल स्टैंड एडजर्न टू नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम एंड दैट डे शुड नॉट बी अ नेशनल हॉलिडे। ठीक है, तुम्हारे इंटेलेक्चुअल टेस्ट करते हैं, आओ। क्या बोर्ड मीटिंग, हेलो जिंदा लाशो, क्या बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलिडे पे हो सकती है? नो, करे कराए पे पानी फेर दिया तुमने, छोड़ दो, छोड़ दोबारा। क्या बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलिडे पे हो सकती है? क्या एडजर्न बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलिडे पे हो सकती है? दोबारा पढ़ दो। बताओ, हो सकती है अनलेस एओए प्रिस्क्राइब्स। भाई सुनो ना, ये प्रोविजन कब लगेगी? जब एओए में कुछ लिखा ही नहीं तो। अगर एओए में लिखा है कि भाई नेशनल हॉलिडे पे करवा, तो करवा लो। समझ पा रहे हो बात को? यस और नो? अब ये प्रोविजन एप्लीकेबल कब होगी? जब एओए में कुछ नहीं लिखा, जब एओए में कुछ नहीं लिखा। अगर एओए में कुछ लिखा है तो वो प्रीवेल होगा ना, लिखा तो है अनलेस एओए प्रिस्क्राइब्स, यस और नो? क्या दोबारा,
क्या बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलीडे पे हो सकती है? हाँ या ना? यार हो सकती है यार, कैट जॉन हो सकती है अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो, हाँ नहीं लिखा तो नहीं। आइए क्या आगे चले, मेरा एक सवाल क्या ये पढ़ लिया दोबारा, इफ मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम, इफ मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम। आ जाओ देखो, ऑब्वियसली मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रॉपर इंटरप्रिटेशन मैं नहीं करवा सकती हूँ, बट ट्राई है कि चलो जितना हो सकता है। अब सुनना, पांच मैटर डिस्कस करने थे, कितने मैटर? पांच, मैटर वन, मैटर टू, मैटर थ्री, मैटर फोर, मैटर फाइव, टोटल डायरेक्टर 15, कोरम कितनी? कोरम कितनी? पांच, ठीक है पांच। पहले मैटर पे 6 प्रेजेंट थे, क्या कोरम है? दूसरे में 5 प्रेजेंट है, क्या कोरम है? कि तीसरे में 4 प्रेजेंट है, क्या कोरम है? क्या करें क्या करें क्या करें? गलत, एडजर्न नहीं होगी, आपको मेन क्लास में बताया हुआ, क्योंकि वर्ड क्या है, वो कह रहा है इफ मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड, हेल्ड का मतलब क्या होता है? हेल्ड भाई, अगर मीटिंग शुरू ही नहीं हुई तो एडजर्न होगी, क्या शुरू हो चुकी है? यस और नो, क्या शुरू हो चुकी है? तो यहां पे कंक्लूड होगी, मतलब दो मैटर डिस्कस कर लिए, अब बाकी तीन को भी और कर लेंगे, समझो बात। एडजर्न कब होगी? इफ मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड, क्लच कैच को पकड़ो ना, इफ मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड, हेल्ड मतलब क्या? कि भाई हुई ही नहीं, शुरू ही नहीं हो पाई, हेल्ड तो हो गई ना मीटिंग, चल रही है मीटिंग। अब देखो, अब ये तो पक्का ही है कि अगर कोरम चली गई तो मीटिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोलता है कोरम शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, अब कोरम नहीं है तो मीटिंग हो नहीं सकती। सवाल इतना सा, एडजर्न होगी या नहीं? भाई नहीं होगी ना एडजर्न, राइट। अच्छा पर क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कंक्लूड होके नेक्स्ट तो होनी है, अगले वीक करा लूं, राइट। आइए, बहुत बढ़िया, चले मेरे बच्चे आगे, हेलो आइए आओ सुनना। इसका सिर्फ एक चीज रह गई 174 की, कोरम का सेक्शन था 174, कौन सा था? 17। अब वो क्या कह रहा सुनना, अब वैसे जो मैं आपको बता रही हूं उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है, बट अभी मैं आपको इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करवाऊंगी, जस्ट एज इट इज देख लेना। इफ नंबर ऑफ डायरेक्टर रिड्यूस बिलो कोलम रिक्वायर्ड बाय एओए, नंबर ऑफ डायरेक्टर रिड्यूस बिलो द कोलम रिक्वायर्ड बाय एओए, देन द रिमेनिंग डायरेक्टर मे एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर टू समन, सॉरी पर्पस फॉर इंक्रीजिंग द डायरेक्टर और टू समन जनरल मीटिंग। इसका मतलब क्या है सुनना ध्यान से, मान लो मेरी कंपनी में ना एक ही डायरेक्टर रह गया, आप एक ही डायरेक्टर है तो भाई कोरम तो कैसे होगी, क्योंकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए? 3, और 3 डायरेक्टर है तो कोरम कितनी होगी? 2। क्या और डायरेक्टर मेरा है कितना? 1, कि कोरम से भी कम डायरेक्टर है, यस और नो? तो इस केस में अगर कभी भी आपका डायरेक्टर कोरम से कम है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो नए डायरेक्टर अपॉइंट कर ले, अच्छा नए डायरेक्टर कितने? कोरम के जितने, उससे एक भी एक्स्ट्रा नहीं, या फिर वो जनरल मीटिंग बुला ले, जनरल मीटिंग बुला के जनरल मीटिंग में नए डायरेक्टर क्या कर ले? अपॉइंट, क्या कर ले? अपॉइंट। दैट इज सेक्शन 173 एंड 174 प्रॉपर। अच्छा सेक्शन 173 किसका है? मीटिंग ऑफ बोर्ड, और 176 बहुत बढ़िया, वन कोरम, जिंदा लाशो किसका है? कोरम किसका है? क्या ये दो सेक्शन क्लियर है? 174 ही तो बोला मैं, वही इन्होंने गलत बोला ना, इन मैंने बोला 176 से बोलते कोरम, तो मैंने बोला 174 है कोरम का, आई 176 किसका है? आ जाओ फटाफट से 176 करते हैं। डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नॉट टू इनवैलिडेट एक्शन टेकन, भाई देख गलतियां सबसे होती है, हाँ या ना? गलतियां, तुमने शादी करनी थी किसी और लड़की से, हो किसी और से गई पर 7 फेरे तो लिए गए, तुम ये नहीं बोल सकते शादी झूठी है, मानते हो नहीं मानते? अच्छा बाद में डाइवोर्स ले लेना, पर तुम ये तो नहीं बोल सकते शादी गलत है, एक्सेप्ट कर रहे हो बात को? अब सुना करनी किसी और से थी, हो किसी और से गई, पर शादी तो सही तरीके से हुई, अब डायरेक्टर तुमने अपॉइंट करना था, तुम्हें पता लगा यार डायरेक्टर गलत तरीके से अपॉइंट हुआ है, तो भाई जिस दिन तुम्हें पता लगा उसके आगे आने वाले दिन में जितना वो काम करेगा वो इनवैलिड है, पर जितना कर चुका होगा वो थोड़ी इनवैलिड होगा, वो तो वैलिड ही रहेगा, यस और नो?
देखो वो साफ साफ बोल रहे हैं, डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नॉट टू इनवैलिडेट एक्शंस टेकन. क्या लिखा है? नॉट टू इनवैलिडेट एक्शंस टेकन. इफ अ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हैज बीन इनवैलिडेटेड बिकॉज ऑफ एनी रीजन देन द एक्ट विच हैज ऑलरेडी बीन डन शैल स्टैंड. क्या डन है? पक्का. अब आ जाओ 175 रेजोल्यूशन बाय. सुनना, क्या आपके पास दो ऑप्शन है? या तो तुम बोर्ड मीटिंग कराओ या आरबीसी कराओ. हाँ या ना? साल में कितनी बोर्ड मीटिंग्स? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. साल में कितनी बोर्ड मीटिंग? एट लीस्ट 4. और मैक्सिमम क्या? और ओपीसी और स्मॉल कंपनी के केस में मैक्सिमम 90. सेक्शन 8 कंपनी के केस में उसमें गैप है ही नहीं, ये और उसमें गैप है ही नहीं, ये ध्यान रखनी है बात है, राइट. रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. भाई देख, तू आरबीसी साल में 15 बार करा पर 4 बोर्ड मीटिंग तो करवानी है. यस और नो? क्या आपने आरबीसी करा लिया, डज दैट मीन कि आपने बोर्ड मीटिंग करा ली? नहीं. क्या आपने आरबीसी करा के क्या बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट से छुटकारा पा सकते हो? नहीं. जस्ट गिव मी अ मिनट. आइए, क्या यहां तक डन है बच्चे? वो कह रहा नोटिस ऑफ आरबीसी किसको जाएगा? अच्छा सुनना यार, एक शिट, मेरे एक चीज मेरे दिमाग से निकल गई. हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था अल्टरनेट डायरेक्टर. क्या मीटिंग ओरिजिनल, मीटिंग का नोटिस ओरिजिनल को जाएगा और अल्टरनेट को भी जाएगा? क्योंकि नोटिस किसको जाएगा? ऑल डायरेक्टर्स को. दोबारा से किसको जाएगा? क्या ऑल में वो आता है? आता है तो नोटिस जाएगा. हाँ सॉरी, वो कह रहा सुन, नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन या तो हैंड डिलीवरी या ईमेल या बाय. दोबारा से, नोटिस कैसे भेजोगे? ईमेल, पोस्ट, हैंड डिलीवरी. वेयर रेजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन. पास हो गया, उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए आप नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में नोट कर लोगे उसे, और जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के माइन्यूट्स बनाओगे उसका पार्ट बना लोगे. डन. अगर उनको लगता, देखो अगर मान लो टोटल डायरेक्टर नो 1/3, अगर 3 डायरेक्टर को लगता है कि ये मैटर आरबीसी से नहीं होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए, तो ये मैटर कैसे होगा? बोर्ड मीटिंग में कैसे होगा? क्या ये बात हमें पता थी? पर अब मेरी बात सुनना, पर मैं मानूंगी कब कि आरबीसी अप्रूव हो गया? हेलो, कब मानूंगी मैं? देखो मेरे को ये बात रट गई. कौन सी बात रट गई? कौन सी बात? सुनो कि डायरेक्टर्स को आरबीसी का नोटिस जाएगा बाय ईमेल, हैंड डिलीवरी, पोस्ट, यस और नो? और अगर 1/3 डायरेक्टर बोलते हैं कि बोर्ड मीटिंग में कराओ, तो बोर्ड मीटिंग में करवाने, राइट. अब सुनना, टोटल डायरेक्टर्स मेरी कंपनी के 9 है. टोटल डायरेक्टर कितने हैं मेरे बच्चे? आरबीसी में अप्रूवल कितने की चाहिए? 1/3 या 5? 5 की चाहिए. अब आरबीसी, अब सुनना ध्यान से, क्या हुआ? 5 की अप्रूवल आ गई. मैंने एग्जांपल लेते हैं, मैंने ना 17 नवंबर को आरबीसी का नोटिस भेजा, ठीक है, और 24 नवंबर तक का टाइम दिया था. क्या हुआ? 19 नवंबर को 5 लोगों की मेजॉरिटी की अप्रूवल आ गई, तो मान लूंगी कि आरबीसी पास हो गया. यस और नो? मान लूंगी आरबीसी पास हो गया. अब बता दो. अच्छा सुनना, 9 में से 5 की हां आ गई, रहते कितने? और ड्रामेबाजी करने के लिए कि आरबीसी की जगह बोर्ड मीटिंग में करवाओ, कितने डायरेक्टर्स लगेंगे और बचे कितने हैं? कि 4 में से 3 उठ के नहीं बोल सकते? अभी तो टाइम है ना यार. तो आप मुझे एक बात बताओ, तुम ये रटिए चल रहे हो, जब मेजोरिटी की अप्रूवल आ जाएगी पास, मेजोरिटी की अप्रूवल आ जाएगी पास. पर यार ये देखो, मेजोरिटी की अप्रूवल तो आ गई 19 को, पर क्या रोड़ा डालने का स्कोप अभी भी पड़े? हाँ या ना? या तो ऐसा हो कि 24 तारीख खत्म हो गई, जब 24 तारीख ही खत्म तो अब तो भाई डेट ही खत्म, तो अब तो पास हो गया रेजोल्यूशन.
पर बच्चे अब जब तक 24 नहीं आ जाती का डर बना रहेगा हाँ या ना। सुनना, 19 को 5 ने हाँ बोल दी, 20 को 2 ने और हाँ बोल दी, क्या 20 को मान ले जाएंगे? क्यों? क्योंकि अब रोला डालने का स्कोप ही खत्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आरबीसी पास हुआ कम माना जाएगा। ये निकम्मे बच्चों तुम्हें क्लास में क्वेश्चन भी करवाए हैं, समझ पा रहे हो बात को? आओ लिखो बच्चे, आप इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके आप सिर्फ जो मेन मेन चीजें ना उन्हें रट के चले जाते हो, तभी नहीं आते 40 तुम्हारे। तुम्हारे तो आ ही जाएंगे, तुम्हारे तो है ही। आओ बताओ, अदर मुझसे पढ़ने का फायदा क्या हुआ? हाँ वही मैं कह रही हूं, 80 आएंगे। एक के ना, एक के, एक के एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हो ना तुम यार, क्या मेरे कहने से क्या? हाँ मैं तो कह रही हूं तुम्हारे पर सब्जेक्ट में 80 आए यार। मैं तो बताओ तुम, मैं तो यही चाहूंगी ना कि तुम पास हो। हाँ मैं भाई, मैं तो तुम पे पूरा विश्वास करती हूँ देखो, क्योंकि अब मैं तो पास हो गई, अब तो मेरी उम्मीद तुमसे ही है कि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, भगवान करे तुम भी पास हो जाओ। होने चाहिए यार, पास होना बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्या है मुझे एक बात बताओ, क्या है? 40 गेम है ही नहीं 40 की। तुम क्यों 40 के लिए लड़ रहे हो मुझे एक बात बताओ, क्यों लड़ना 40 के लिए? भाई अच्छे मार्क्स लाने के लिए हो ना, 70-80। देखो टारगेट तो बड़ा रख सकते हैं ना हम लोग, ऐसा तो है नहीं आज तक किसी के आए नहीं, बट एटलीस्ट ये तो है, मेरी बात सुनो, जब टारगेट ही 40 का रखोगे तो क्या क्या लाओगे? कुछ भी ना, और 40 से पास भी नहीं होने वाले तुम भाई, एग्रीगेट 50 चाहिए। ये देखो जो मेहनत करेगा, सीधी सी बात, वो पास है। किसी के कहने से, किसी के बोलने से कोई पत्ता इधर से उधर नहीं होता। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें पता है कि यू आर वर्किंग डे एंड नाइट, तो भाई कोई कुछ भी आके बोल ले तुम पास हो, पर तुम मैनिफेस्ट ही करते रह जाओ, राइट? 11-11 पे विश मांगते रह जाओ और पढ़ो ना, तो फिर उस केस में तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? मैं नहीं मानती, मतलब मेरी फ्रेंड मानती है, वो 11-11 हो जाती है ना तो आंखें बंद कर लेती है एक मिनट के लिए। वाला ऐसा होता है लेकिन हम साथ बैठे हैं और 11:11 हो गए तो मेरे को माइंड में क्वेश्चन आता है, सुबह भी कर सकते हैं क्या? पता नहीं, मुझे नहीं पता। खैर ये रात के 11-11 पे ही होता है लिटरली, वो पूरे एक मिनट के लिए आंखें बंद करती है और जब तक 11-12 नहीं हो जाते वो आंखें नहीं खोलती। यार वो बीच में आंखें खोलती है, 11-11 ही है, फिर बंद कर, लिटरली फिर बंद कर लेती है, ठीक है कि और मांग लेते हैं, और मांग लेते हैं। खैर अब लिखो सेक्शन 175, बच्चे रेजोल्यूशन पास हुआ माना कब जाएगा? द रेजोल्यूशन शेल बी डीम्ड टू हैव पास्ड ऑन अर्लियर ऑफ लास्ट डे स्पेसिफाइड और डेट ऑन विच एसेंट हैज रिसीव्ड। बट आपको जब एसेंट रिसीव्ड हुई तो आपको देखना है कि पीछे 1/3 से कम बचाओ, यस और नो, प्रोवाइडेड डायरेक्टर्स हु हैव नॉट येट रिस्पॉन्डेड शेल लेस देन 1/3। हाँ जी, आ जाओ, क्या समझ आ गया इसका मतलब क्या है बच्चे? 174 हो गया, 175 पे क्वेश्चन देखते हैं अगर आपके मॉड्यूल में मिल जाता है, और मॉड्यूल के क्वेश्चन जरूर करके जाना, लाइक आई एम ट्राइंग कि मॉड्यूल के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करवा सकूं, बट तुम भी करके जाना यार। वीडियो कॉन्फ्रेंस रेगुलेशन 29 हो चुकी है, कमिटीज पे आते हैं, एक क्वेश्चन मिल जाए तो कर लेते हैं, नहीं मिलेगा तो छोड़े देंगे। 174,
है नहीं, इसमें छोड़ो। हाँ जी, एसेंट कहाँ है? एसेंट हैज रिसीव्ड फ्रॉम मेजोरिटी डायरेक्टर्स हु हैव नॉट येट रिस्पॉन्डेड शेल बी लेस देन वन बाय थर्ड। क्योंकि अगर वो मोर देन वन बाय थर्ड है तो मतलब वो फिर से आपा कर सकते हैं कुछ डायरेक्टर्स। यार तुम्हें एक तो समझ ही नहीं आता यार, हैं? मेरी गलती है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तुम ऐसे नहीं बोल सकते मुझे। चलो आगे चले क्या? 175 क्लियर? देखो चार हो गए, 173, 4, 5, 6 क्या डन है? आ जाओ आगे चलते हैं। 177 को छोड़ते हैं एक बार और 178 को। सबसे पहले ये तीन छुटकू सेक्शन कर लेते हैं, 181, 182, 183 मोस्ट इग्नोर्ड सेक्शन। 181, 182, 183 आ जाओ। 181 याद है किसका है? चैरिटेबल फंड। 182 पॉलिटिकल पार्टी। 183 नेशनल डिफेंस फंड, भारत माता की, जिसके अकॉर्डिंग तुमने जय बोला है ना। आ जाओ सेक्शन कौन सा है? 181 कह रहा है कि ब्रो कंपनी चैरिटेबल फंड्स में दान दे सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बीआर पास करके दे सकती है, पर मैक्सिमम कितना? 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर उससे ज्यादा देना तो दे सकती है। यस ORNGM ORN क्या तुम इसे 2x में बोल सकते हो? यस और नो? तुम कुछ नहीं कर सकते ऐसा। अच्छा तुम बेइज्जती फील मत करना, राइट? मतलब मैं तुम्हें प्यार से बोल रही हूँ, कर तो तुम बहुत कुछ सकते हो। आ जाओ सुनो, क्या कंपनी चैरिटेबल फंड में पैसा डाल सकती है? हाँ या ना? क्या पास करना है? ओआर धक्के से ओआर बीआर क्या पास करना है? बीआर। अच्छा बीआर पास करके मैक्सिमम कितना? 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। रिपीट कितना? ठीक तो है। अरे नायक रुक जाओ यार, रुक जाओ। बीआर पास करके मैक्सिमम कितना? 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर उससे ज्यादा करना तो ओआर, पढ़ो ध्यान से, ओआर रिक्वायर्ड इफ अमाउंट एक्सीड। गलत नहीं बोल रही मैं, तुम इतने मुझसे इंटेलिजेंट नहीं हुए, अरे मैम गलत है। अरे यार अच्छा सुनना, इस साल लॉस है, क्या पॉसिबल है? तुम्हें डायरेक्टर बनाया मैंने कंपनी का और इस साल लॉस है, पिछले 3 साल से प्रॉफिट। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या मैं फिर भी चैरिटेबल फंड में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ? क्योंकि बच्चे इस साल में प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है, हमें लास्ट 3 साल का देख, क्या डन है? और ओआर की, ओआर सिर्फ कब लगेगा मेरे बच्चे? ओआर तब लगेगा जब 5 से ज्यादा हो रहा है, 5 तक ही करना है तो बीआर से हो जाएगा। उसके बाद सुना, इंप्लॉयज के लिए कैंटीन खुलवा दी, टिक जाओ एम्प्लॉयज के लिए कैंटीन खुलवा दी, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, क्या वो भी चैरिटेबल फंड की बात है? क्या उसे चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन मानेंगे? नहीं। क्या 181 क्लियर है? आ जाओ 182 पॉलिटिकल पार्टी। केजू को पैसा दे रहे हो तुम, यू नो केजू? हाँ केजू को पैसा दे रहे हो। वो कह रहा केजू को पैसा हर कंपनी दे सकती है, 2 कंपनी को छोड़ के, गवर्नमेंट कंपनी, भाई वो तो है ही केजू की, यस और नो? वो तो उसी को पैसा देगी, गवर्नमेंट सीजी का शेयर होल्डिंग होगी, एसजी की होगी, एसजी की ज्यादा तो एसजी को ग्रांट देगी, सीजी की ज्यादा तो सीजी की, क्या बायसनेस हो जाएगी देश में? हाँ या ना? क्या चाहते हो देश में बायसनेस हो जाए? तो क्या गवर्नमेंट कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है? नहीं। और एक ऐसी कंपनी, भाई तुम खुद तो बड़े हो जाओ पहले, एक ऐसी कंपनी जो अभी जिसको बने हुए 3 साल नहीं हुए, ऐसी कंपनी जिसको बने हुए 3 साल नहीं हुए। देखो जब भी रिविजन करने बैठो हमेशा फराटेदार रिविजन करो, मतलब कि आराम आराम से सो सो के आगे मत पढ़ो, मतलब जितनी एनर्जी से, अगर तुम्हें तीन, कई कबार क्या होता है, मान लो जब मैराथन्स होती हैं 5 घंटे क्लास में पूरा, जो जब हम पढ़ाते हैं तो क्लास के बाद ऐसे हो जाता है कि अब हमसे कोई बात ना करे, लिटरली ऐसा क्यों? नॉर्मल क्लास में 5 घंटे पढ़ाने के बाद ऐसा नहीं होता, पर मैराथन में क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको जब आप रिवाइज करते हो यूर एनर्जी शुड बी वेरी वेरी हाई, अदरवाइज आप देखो मैराथन में नींद आने लगेगी अगर एनर्जी हाई नहीं है तो, क्योंकि आपको सारा कवर करना है, तो योर एनर्जी शुड बी वेरी, 5 घंटे बाद आप घर जाके सो जाओ, पर वो 5 घंटे ऐसे होने चाहिए कि तुम यही दिल दिमाग दोनों से यही हो, और जो आज क्लास में कराया तुम्हारे दिमाग में छप गया, और उसके बाद तुम्हें रिवीजन करने में और कम टाइम लगेगा।
अगर तुम अकेले रिवाइज करोगे बोर्ड डायरेक्टर जैसे चैप्टर को, तुम जो आधी चीजें बताई हैं वो छोड़ के जाओगे, करते अकेले तो छोड़ के जाते, ये पता है राइट? तो इसीलिए मैंने सबसे पहले यही चैप्टर लिया है। आइए चलो, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। लॉ मेकर कह रहा है कि भाई दो कंपनियां पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, पहली तो गवर्नमेंट कंपनी, दूसरी ऐसी कंपनी जिसको बने हुए 3 साल ही हुए, बाकी जो मर्जी कर। अच्छा कर, जितनी मर्जी कर, बीआर पास कर, जितनी मर्जी कर, पर क्या अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएगी कि तूने इतना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया, यस और नो? चाहे तू उंगली सीधी करके दे या उंगली टेढ़ी करके दे, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। केजू के अकाउंट में 20,000 डाल दिए, या फिर केजू की बेसिकली पैम्पलेट छपवा रही है, अब ये है तो इनडायरेक्टली कि इसको भी मैं पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मान लूंगी, यस और नो? आइए, गवर्नमेंट कंपनी, कंपनी विच हैज एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 इयर्स कैन नॉट डू पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अदर कंपनी नो नीड फॉर लिमिट ऑन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, कर सकती है, बट P&L में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज और एक्सपेंडिचर और एडवर्टीजमेंट, और बाय एनी इनडायरेक्ट वे शैल बी डीम्ड एज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, शैल बी डीम्ड एज व्हाट, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली चेक मत, सॉरी कैश मत देना, चेक या बैंक ड्राफ्ट देना, राइट? नो कैश, ओनली चेक और बैंक ड्राफ्ट। क्या डन है? पक्का पक्का? आगे चले, अगला, भारत माता की जय, 183 नेशनल डिफेंस फंड। भाई तू कंपनी, कोई भी पर्सन, कंपनी का बोर्ड, कोई भी पर्सन, या फिर कंपनी जनरल मीटिंग ओआर पास करवा के भी कोई भी अमाउंट कहां डाल सकती है? नेशनल डिफेंस फंड में। कहां डाल सकती है? नेशनल डिफेंस फंड में। लेजिट क्वेश्चन आया है 181, 2, और 3 में से एक सेक्शन में। नहीं आता तो तुम्हारा काम खत्म, सीधी सी बात। 1, 2, 3 क्या 3 सेक्शन हो गए? 181 चैरिटेबल, 5% की लिमिट है। 182 पॉलिटिकल पार्टी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों में क्या माना जाएगा? कंट्रीब्यूशन। 183 भारत माता की जय, मतलब नेशनल डिफेंस फंड। फटाफट से बता दो, 173 किसका है? 173 मीटिंग ऑफ बोर्ड, 174 कोरम, 175 रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, 176 हवा टाइट होगी यहां, ऑडिट हुई। अगर अपॉइंटमेंट गलत है दैट डज नॉट इनवैलिडेट एक्शन टेकन, 181 चैरिटेबल फंड, 182 पॉलिटिकल पार्टी, 183 भारत माता की, जैसे याद कर लो, राइट? थोड़ा सा अपने ट्रिक्स एंड ट्रिक्स लगाया करो, उतना बोरिंग मत बनाओ चीजों को, राइट? आइए, बोरिंग और भी बहुत चीजें हैं, जिंदगी भी बोरिंग ही होगी तुम्हारी, रंगीन तो मुझे लग नहीं रहे। आओ, सेक्शन 179 क्या है? पावर्स ऑफ बोर्ड। अब सुनना, बोर्ड को भाई काम डिसीजन लेना है, बीआर या यूबीआर। यूबीआर कितने केस में? हेलो, 3। पहला सेक्शन 186, दूसरा रिमूवल ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, तीसरा की मैनेज, क्या की मैनेजर? जब देखो, एक मैं बताती हूँ, एक बंदा मैक्सिमम 2 कंपनी में एमडी बन सकता है, 2 से ज्यादा में एमडी नहीं बन सकता। तो आप एक में एमडी और आपको दूसरी में एमडी बनना है तो दूसरी कंपनी में यूबीआर चाहिए, रटवा के भेजूंगी यार आज सारा, सीधी सी बात। अब सुना ध्यान से, सेक्शन 179 पावर ऑफ द बोर्ड। अब वो कह रहा है आपको डिसीजन लेना है, या तो बोर्ड मीटिंग करा या आरबीसी करा ले, हाँ या ना? पर कुछ मैटर ऐसे जिन पे तू आरबीसी नहीं करा सकता, दैट इज मेंशन इन सेक्शन 179 दैट ऑल द पावर्स ऑफ द बोर्ड एक्सरसाइज टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग। ये जो पावर्स हैं, हेलो, ये जो पावर्स हैं ये आरबीसी से के थ्रू एक्सरसाइज नहीं होगी, ये कहां होगी? बोर्ड मीटिंग में। आप सुनना, ये आपको पहले भी बताया हुआ है ना, ये क्या है? कंपनीज एक्ट। ये क्या है? एमओए। ये क्या है? एओए। और ये क्या है? डायरेक्टर्स करवाया हुआ। फिर हां क्यों कह रहे थे? जब आता नहीं तुम्हें तो है नलायको यार। देखो सोफिया, अभी आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल, पब्लिक को पैसे देकर वोट वगैरह करा लिए तो ठीक है, करेंगे बारे में बात। अब सुना, 4 पिलर्स ठीक है, मतलब डायरेक्टर की क्या इतनी औकात है वो एओए के बाहर चला जाए? क्या डायरेक्टर की औकात है वो एओए के बाहर चला जाए, एमओए के बाहर चला जाए, कंपनीज एक्ट के बाहर चला जाए? नहीं, डायरेक्टर को दायरे में रहना पड़ेगा, यस और नो? वो ये बोल रहा है कि डायरेक्टर जो भी काम करेगा वो एमओए ओए के अंदर रहते हुए करेगा, और अगर शेयर होल्डर ने डायरेक्टर को बोल दिया कि तू ये काम नहीं करेगा तो वो काम नहीं करेगा। और डायरेक्टर कितने काम करेगा? डायरेक्टर वो सारे काम करेगा जो शेयर होल्डर नहीं करेंगे, हाँ या ना? आज जहां लॉ में ऐसा चाहिए, क्या वहां बोर्ड बीआर पास करके काम कर सकता? नहीं,
तो मतलब जो काम स्पेसिफिकली शेयर होल्डर के लिए रिजर्व नहीं है वो सारे काम कौन करेगा? डायरेक्टर। और वो भी कहां? वो भी कहां? बोर्ड। पहला टू मेक कॉल्स, किसको? अपनी वाइफ को। शेयर पे कॉल्स, राइट? टू मेक कॉल, टू मेक बाय बैक, टू इशू सिक्योरिटी, और उसके बाद टू बोरो, टू इन्वेस्ट फंड्स ऑफ द कंपनी, टू गिव लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, टू अप्रूव मर्जर अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन टेक ओवर ऑफ द कंपनी, टू मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर तुम्हें पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करना है तो आरबीसी इज नॉट आरबीसी से कर सकता पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन? नहीं कर सकता। टू अपॉइंट और रिमूव, और टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। अब एक सवाल आया, बहुत अच्छा सवाल था, कि कंपनी ना बायबैक करना चाह रही है, एंड बायबैक करना चाह रही है कंपनी, तो उसने क्या किया? रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भेजा, टोटल कंपनी के 9 डायरेक्टर थे, साथ में इस डेट को हाँ बोल दिया। बताओ कौन सी डेट को आरबीसी पास हुआ माना जाएगा? आरबीसी बच्चे लिखाते हैं वो डेट, तुम समझ रहे हो? तुम्हारे जैसा होना चाहिए हर बच्चों को। अब मेरी बात सुनो भाई, क्या इस पे आरबीसी करा सकते हो? अब आधे बच्चे कह रहे लर्न नहीं करके जाते, ये भाई ये लर्न नहीं करके जाओगे तो वहां याद कैसे आएगा किस पे आरबीसी करा सकते हो किस पे नहीं? यस और नो? अब सुनना, एक बार थोड़ी सी ट्राई करते हैं, थोड़ी सी आइए। हां जी, पहला क्या? टू मेक, बोल लो, टू मेक। दूसरा बाय बैक, बाय बैक का सेक्शन, बाय बैक का सेक्शन, उसके बाद एक मिनट, एक बार फटाफट से पढ़ो। बच्चे सेक्शन 8 कंपनी एक्सरसाइज कर सकती है अगर, सुनो मैं ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू दैट डिटेल, अगर 92 मतलब अगर एमजीटी 7 प्लस एओसी 4 कंप्लाई किया हो तो वो भी इनमें से कुछ पावर्स, राइट? सो प्लीज यार, अभी मतलब वो ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। अब मैंने आपको इतनी सारी पावर्स बता दी, अब मैं इसमें से कहूँ इसमें से 4 पावर्स सेक्शन 8 कंपनी आरबीसी एक्सरसाइज कर सकती है, तो वो आपको कंफ्यूज करने वाला काम हो जाएगा अभी के लिए, राइट? तो अभी के लिए अब ये जो पावर्स है, ये नॉर्मल कंपनी बात करूं, क्या वो आरबीसी 6 एक्सरसाइज कर सकती है? नहीं, राइट? अच्छा सुनना, पहली टू मेक, टू मेक, दूसरा टू बाय बैक, टू इशू, टू बोरो मनी, टू इन्वेस्ट फंड, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, डाइवर्सिफाई द बिजनेस, अमलगमेशन, टेक ओवर, रिकंस्ट्रक्शन, केएमपी की अपॉइंटमेंट और रिमूवल, इंटरनल ऑडिट की अपॉइंटमेंट, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा सुनना, क्या बोर्ड पावर्स को डेलीगेट भी कर सकता है? यस। अब हमने याद है बात की, आर पावर डेलीगेट नहीं हो सकती, कुछ हो सकती है, बट किसको डेलीगेट कर सकता है? सुनना, एनी कमिटी ऑफ द बोर्ड, एमडी को कर सकते हो, मैनेजर को कर सकते हो, और एनी प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी और ब्रांच ऑफिस। आइए, क्या शेयर होल्डर्स, हेलो हेलो हेलो, क्या शेयर होल्डर्स और पास करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं पावर ऑफ द बोर्ड को? क्या शेयर होल्डर बोर्ड की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? यस और नो? यस, लिखो, शेयर होल्डर में बायपासिंग ओआर इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, ऑन पावर ऑफ, आइए आगे चले बच्चे। अब मेरी बात सुनना, सुनना एक बार माइंड में फिर से, ये 10 से 12 आइटम्स जो थी वो लेकर आते हैं, ठीक है? पहला क्या था? टू मेक कॉल्स, दूसरा बाय बैक, तीसरा सिक्योरिटी,
सॉरी टू इशू सिक्योरिटी, चौथा टू बोरो मनी, फिर पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन था, एमडी की अपॉइंटमेंट रिमूवल थी, और उसके बाद इंटरनल ऑडिटर था, टेक ओवर था, रिकंस्ट्रक्शन था, मर्जर अमेलगमेशन था, डाइवर्सिफाई द बिजनेस था, यस और नो? अच्छा, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, अच्छा आपको सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आप कैसे वो आरबीसी से अप्रूव कर सकते हो, यस और नो? यू हैव टू अप्रूव इट इन बोर्ड मीटिंग। आइए, क्या यहां तक डन है मेरे बच्चे सबका? हेलो, आगे चले जिंदा लाशो। सेक्शन 180, क्या मुश्किल है 180? नो मैम, बताओ फिर। देखो 179 तेरे को सारी पावर दे दी, 180 रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड। अच्छा, अगर ये मैं ये ट्राई कर रही हूं कि मैं ना ये जल्दी ही खत्म करा दूं ये वाला पार्ट, क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट जब ये क्लास हो जाए तो पेपर से पहले तुम इसको 2x पे करके देख सको, राइट? मान लो अगर 4 घंटे क्लास है तो 2x पे करके 2 घंटे में ये सारे के सारे सेक्शंस लर्न इस तरीके से, बट कंटेंट 1000% है। सेक्शन 180, सेक्शन 180 क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, कि भाई तेरे को पावर दी है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा तेरे को वो पावर दी है एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ सुनना, 179 मुझे पावर दी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, यस और नो? 180 में वो बोल रहा है ब्रो देख, तुझे क्लास आने के लिए मम्मी की परमिशन की जरूरत नहीं है 179, पर नाइट आउट करने के लिए मम्मी की, पापा की, बहन भाई की, सबकी परमिशन की जरूरत है, डन? सुनना, तो 180 क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड है, तो ये भी तुम्हारी पावर, देखो जाना नहीं जाना तुम्हारी पावर है, पर तुम अपनी पावर कब एक्सरसाइज करोगे? पहले उनसे पावर लेके, मतलब पहले क्या पास होगा? एसआर, नॉर्मली बीआर के बाद एसआर पास होता है, हेलो, नॉर्मली क्या होता है? बीआर के बाद एसआर पास होता है, यहां पे क्या हो रहा है? बीआर से पहले एसआर पास हो रहा है, कि एसआर पास करी आपको पावर दे दी, अब ये पावर मैं एक्सरसाइज कर सकती हूं, याद है? 4 पावर्स थी, टू सेल लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द अंडरटेकिंग, मर्जर अमलगमेशन के पैसे, सेक्शन 181C, सेक्शन 181D। कुछ याद वाद है तुम्हें? थोड़ा बहुत, जैसे तुम आंसर दे रहे हो मुझे थोड़ा बहुत भी नहीं लग रहा। आ जाओ, देखो अब ये चार काम है, कितने काम है? 4। देखो ऐसे ना अपने माइंड में डायग्राम बनाया करो, 1 2 3 4, ये 4 काम करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा, पर उससे पहले क्या लगेगा? बस क्या है? सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। क्लॉज सी तो याद होगा तुम्हें, कि जब टोटल बोरोइंग प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग एक्सीड हो जाती हैं, 100% पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एसपीआर, कुछ याद आ रहा है? 6-7 महीने पहले हुआ था ये टॉपिक। आ जाओ सबसेक्शन 1, टू सेल लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग, के ऊपर दोबारा क्या है? टू सेल लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग। वो ये बोल रहा है, सॉरी, कि अगर आपको आप सेल कर रहे हो, लीज पे दे रहे हो, क्या अपनी अंडरटेकिंग को पूरी या अपना अंडरटेकिंग का सब्सटेंशियल पार्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एसआर क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। अच्छा, अंडरटेकिंग क्या होती है? या तो जिसमें आपकी नेटवर्थ का 20% से ज्यादा लगाओ, या तो जिसमें आपकी नेटवर्थ का 20% से ज्यादा लगाओ, या जिससे 20% तक इनकम आती हो, और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब 20% और मोर वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग। क्या डन है यहां तक? अब मुझे बताओ अंडरटेकिंग कौन होती है? हेलो, अंडरटेकिंग क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें या तो मेरी नेटवर्थ का 20 से ज्यादा परसेंट लगा है, या फिर जिससे कितना आ रहा है इनकम का 20 से ज्यादा, और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब मान लो अब ये मेरी अंडरटेकिंग कब बनेगी? जब मेरी नेटवर्थ का 20 से ज्यादा इसमें लगा है, या मेरे को मेरी इनकम का 20 या उससे ज्यादा कमा के दे रही है। अब मान लो ये पूरी अंडरटेकिंग है, सब्सटेंशियल मतलब इसका 20% या उससे ज्यादा पार्ट क्या हो जाएगा? सब्सटेंशियल। जब मैं इसको सेल कर रही हूं, फेंक दू इसको, नहीं टूट जाएगा,
जब मैं इसको सेल कर रही हूं, डिस्पोज ऑफ कर रही हूं, तो क्या पास करना पड़ेगा? क्या कुछ मुश्किल? दूसरा, तुम मर्जर हुई, अमल का मेट हो गई, तुम मर्ज हो गए। अब तुम सुनना, इट्स लाइक शादी में दहेज। शादी में दहेज तो मिलता ही है ना, है ना? कह रही यस प्राउडली, चलो बढ़िया। रिवाज है यार, आजकल भी है मुझे लगता है, ऐस जितना मर्जी बोल दें बट होता है, राइट? आइए, गिफ्ट घर वालों का प्यार होता है, गुड कल्चर, बढ़िया है अभिषेक। अच्छा ऐसा होता है, मैंने ये देखा, लड़के की क्वालिफिकेशन जितनी ज्यादा होती है ना, उतना ज्यादा दहेज मिलता है। हाँ ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, आइए। अगर लड़की की ज्यादा है और लड़की की नहीं है तो दे रहे हो ज्यादा, मतलब तो दहेज ज्यादा होता है। अच्छा ठीक है, इनको सारी नॉलेज है कि हमारा अगला टारगेट कौन है। आइए प्लान करके बैठे हैं, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, मुझे मिलेगा? हाँ यार, ये कितनी अच्छी बात बोल दी तुमने, बताओ। आइए, टू इन्वेस्ट अदरवाइज इंटरेस्ट सिक्योरिटीज ऑफ एनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय इट। अब सुनना क्या होता है मेरे बच्चे, मर्ज और अमलगमेशन हुआ, डन, आपको रिसीट मिली, आपको मनी मिली, आपको कंपनसेशन मिला। अगर वो कंपनसेशन तुम ट्रस्ट सिक्योरिटीज में लगा रहे हो तो नो एसआर, बट अगर ट्रस्ट सिक्योरिटीज बेसिकली विच आर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, बट अगर तुम वो जो पैसा है वो कहीं और लगा रहे हो तो यू नीड एसआर, यू नीड व्हाट एसआर। मैम आपने क्लास में बताया था कि कौन सी भी कोई भी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेड डेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। हाँ ये बताया था शोभित मैंने, डेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम मैंने उसी टाइम पे करवा दिया था। हेलो जिंदा लाशों, करवाया था तुम्हें डेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बच्ची? उसी टाइम करवा दिया था मैंने, वो तो किसी चैप्टर में आगे था ही नहीं। आइए देखो, अब वो तीसरा क्या कह रहा है, कंपनी जिसकी एग्जिस्टिंग बोरिंग प्लस प्रपोज्ड कितने से ज्यादा हो रही है, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एसपीआर, कितने ज्यादा, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एसपीआर। इसमें बोरिंग में आप शॉर्ट टर्म लोन इंक्लूड नहीं करोगे, शॉर्ट टर्म लोन कौन सा, विच इज रीपेबल आफ्टर सिक्स मंथ, विद इन सिक्स मंथ, और विच इज रीपेबल इन डिमांड, बेसिकली इट इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी। क्या क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन दे दूं, पक्का पक्का आ जाओ, आओ गोलमो लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल 300 करोड़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 120 करोड़, जर्नल रिजर्व 500 करोड़, रिवैल्यूएशन रिजर्व 200 करोड़, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 300 करोड़, लॉन्ग टर्म लोन 480 करोड़, शॉर्ट टर्म लोन 620 करोड़, ग्रॉस रिवेन्यू 2010 करोड़। लिख लिया, लिख लो ना इसको, बैठे हो। लिख लिया, गोलमो की तीन डिविजन्स हैं, साइकिल डिवीजन, मोटरसाइकिल डिवीजन, साइकिल और मोटरसाइकिल में फर्क होता है। तुम्हारे पास क्या है, यह इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तीन डिवीजन है। हां जी हां जी, देखते हैं कौन इस क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। इन्वेस्टमेंट इन साइकिल डिवीजन, $40 crore,
टर्नओवर ऑफ साइकिल डिवीजन 450 CR. बातें नहीं. द बोर्ड वॉन्ट्स टू ऑब्टेन फर्दर लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 300 crores. कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बोलो क्या मैम? बताओ. हाँ जी, बताओ. ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, बताओ लाइव एट होम वाले बच्चों. निकल गया आंसर? हाँ जी, क्या क्या निकला आकाश? कर सकते हैं विदाउट पासिंग है सर, विदाउट. वेरी गुड. एनीवन विदाउट पासिंग है सर, विद पासिंग है सर? हाँ जी. अब आओ देखो, एसआर कब चाहिए पहले मुझे एक बात. एसआर कब चाहिए? जब टोटल बोरिंग प्लस प्रपोज्ड बोरिंग एक्सीड हो जाए 100% पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपीआर, यस और नो? और बोरिंग में हम शॉर्ट टर्म नहीं लेते, क्या साफ साफ लिखा हुआ है? अब मुझे एक बात बताओ, प्रपोज्ड बोरिंग कितनी है? 300 करोड़, है ना? और प्रेजेंट बोरिंग कितनी है? 620 या 480? बच्चे शॉर्ट टर्म तो लेंगे ही नहीं ना. लॉ में क्या लिखा है कि शॉर्ट टर्म नहीं लेंगे. 300 में करना चाहती हूं, 480 मेरी ऑलरेडी है, तो टोटल कितनी होगी? 780. पेड अप शेयर कैपिटल कितने की है मेरी? 420 करोड़. जर्नल रिजर्व 500, कितना आ गया ये? और 300 ये हो गया 1220 करोड़. क्या एक्सीड कर रही है? तो क्या सर पास करने है? नहीं. अब सुनना ध्यान से, जर्नल रिजर्व और एसपीआर आता है, एसपीआर इसमें नहीं था. क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व लेंगे? अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है भाई. प्रॉफिट भी तो बटने के लिए ही होता है ना, यस और नो? प्रॉफिट इज ऑल्सो फ्री रिजर्व ना, तो उसको भी लेंगे. जर्नल रिजर्व को हमने ले लिया, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, शॉर्ट टर्म तो लेते ही नहीं है. ग्रॉस रेवेन्यू को क्या अचार डालोगे तुम? नहीं. तो क्या एसआर पास होगा? नहीं. पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, पिछले अटेम्प्ट का. हाँ, क्वेश्चन में गिवन है. आप अब क्या बच्चा देखते पागल हो जाता, ग्रोस रिवेन्यू होती है डिवीजन. हे भगवान, पहाड़ टूट पड़ा हम पे तो. पर आप मेरे को बात बताओ, कुछ है? अभी आएगा क्या यहां तक? ठीक है कि एसआर पास करना है, यस और नो? आ जाओ दूसरा. इसका दूसरा क्वेश्चन क्या था? टू इन्वेस्ट फंड्स इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, the compensation received as a result of de-investment of cycle division. बताओ क्या इसके लिए एसआर चाहिए? मुझे एक बात बताओ, क्या इसके लिए एसआर चाहिए, यस और नो? नो. अगर ट्रस्ट सिक्योरिटीज के अलावा कहीं करते तो क्या एसआर चाहिए था? अब आपसे जितने क्वेश्चंस पूछे मेजॉरिटी आपके पिछले अटेम्प्ट में आए हैं. अब जब तक तुम अपने माइंड से क्लियर नहीं हो ना, हर अटेम्प्ट का पेपर मुश्किल है. मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये पेपर है तुम्हारे, ये लिटरली क्वेश्चन है,
अभी मेरे पास पेपर खुला नहीं, अदरवाइज दिखा दी 5 नंबर के क्वेश्चन। अगर ऐसे ऐसे करते भी तुम अपने नंबर जोड़ते चलो, आराम से पास हो सकते हो, आराम से। कोई भी पेपर ऐसा नहीं आएगा कि भाई सिर के एकदम ही सिर के ऊपर से। ये तुम्हें पहले भी बोला था और आज भी मैं बोल रही हूं भाई, अगर मैं कोई बात समझो, मान लो मेरे को पूरा पेपर नहीं आता, 5 क्वेश्चन ढंग से कर लूंगी ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पर अगर क्वेश्चन को देख के आप बच्चे के अब इसमें क्या देख रखा था, 3 डिवीजन, साइकिल, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक, आधा बच्चा उसको देख के पागल कि 3 डिवीजन वाला क्वेश्चन है यार ये तो। उसके बाद इन्होंने ग्रोस टर्नओवर दे दिया, उसके बाद दे दिया इसमें इतने इन्वेस्टमेंट कर रखे, अरे भाई क्या लेना हमें, हाँ या ना, जो है जो जिससे काम है अपना करके चल तो आगे, बस सिंपल। क्या डन हो गया मेरे बच्चे 180? अगला क्या है, टू रेमिट और गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू टू डायरेक्टर। इसका मतलब क्या है, आपने डायरेक्टर को कोई डेट दिया था, अब एक क्वेश्चन आता है कि आप डायरेक्टर को लोन तो दे नहीं सकते हो, येस और नो, सेक्शन 185 में प्रोहिबिशन है, यू कैन नॉट गिव टू लोन टू डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। फिर आप इस पे क्या वेव ऑफ कर रहे हो, मतलब आप इसमें ये कह रहे हो कि आपने डायरेक्टर की रीपेमेंट वेव ऑफ कर दी, डायरेक्टर से तुमने पैसा लेना था वो तुमने वेव ऑफ कर दिया, उसको रीपेमेंट के लिए टाइम दे दिया। वही जब तुम डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते तो कौन सी पेमेंट की बात हो रही है। याद है आपको, मैंने आपको जब KMP वाला करवाया था उसमें बोला था एक्सेस रेमुनरेशन चली जाती है डायरेक्टर को, तो उसको वापस करनी पड़ती है 2 साल या उससे पहले वाले पीरियड में। ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि अगर आप डायरेक्टर को टाइम दे रहे हो कि भाई 2 साल में नहीं तू 5 साल में रीपे कर दे, या आप कह रहे हो कि तू रीपे मत कर, तो पहले क्या पास करना पड़ेगा, हेलो क्या पास करना पड़ेगा, हेलो SR कितने केस में पास होगा, SR कितने केस में पास होगा, 4। पहला सेल ऑफ अंडरटेकिंग फलाना ढिमकाना। अंडरटेकिंग क्या होती है, जिसमें या तो मेरी इन्वेस्टमेंट का 20% से ज्यादा लगा हो नेटवर्थ, या जो मेरे को 20 और ज्यादा कमा के दे रही हो, सब्सटेंशियल रोल अंडरटेकिंग का 20 और ज्यादा। और उसके बाद क्या था, टू इन्वेस्ट इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज वाला था, अगर ट्रस्ट सिक्योरिटीज के दोबारा अगर अलावा कर रहे हो तो ऐसा चाहिए। तीसरा, अगर आपकी प्रेजेंट प्लस प्रपोज एक्सीड 100% फॉर किसे, फ्री रिजर्व, SPR, जनरल रिजर्व, और बोरिंग में जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है वो नहीं आती, तो क्या करना, SR। अगर आप डायरेक्टर को वेव ऑफ कर रहे हो उसका रीपेमेंट, तो भी क्या पास करना है, SR। क्या यहां तक ठीक है मेरे बच्चे? आइए, वो क्या कह रहा है, जो SR पास होगा शेल स्पेसिफाई द टोटल अमाउंट टू विच मनी इज मे बी बोरोड बाय कंपनी, दैट इज इट अबाउट 180 के। यहां तक क्लियर है सबको, बोल दो हेलो। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आया, क्या अगर आप ध्यान से देखो, 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी से आया, तो अगर तुम्हें ये दो सेक्शन पता हो, क्या नंबर अच्छे आ सकते हैं या नहीं आ सकते? अच्छा सुनना, एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में, एक्ट में लिखा है कि अगर तेरे को ये 4 काम करने हैं तो पहले SR पास करा ले। मैंने आर्टिकल्स में लिखा ये 4 काम बिना SR पास कराए हो सकते हैं, वैलिड या वॉइड, वैलिड या वॉइड, क्योंकि AOA भी एक्ट के बाहर नहीं जा सकता। क्या डन है? आइए सेक्शन देखो, हो भी गए 177 और 178 करते हैं फटाफट, फटाकेदार। 177 क्या है, हेलो। अच्छा एक मजेदार बात बताऊं, जिस कंपनी को इंडिपेंडेंट अपॉइंट करना था ना, उसी को ऑडिट करनी है। अब बस ये बता दो, इंडिपेंडेंट किसको करना था, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 करोड़िया उससे ज्यादा टर्नओवर, 100 करोड़िया उससे ज्यादा बोरिंग, 50 करोड़ से ज्यादा बोरिंग, मतलब डिबेंचर डिपॉजिट सब एक्सेप्ट करके 50 करोड़ से ज्यादा, जिसको इंडिपेंडेंट उसको ऑडिट और उसी को NRC। मजेदार, जिसको बोलो, जिसको जिसको इंडिपेंडेंट उसी को ऑडिट और उसी को। अच्छा ऑडिट का काम क्या है, हेलो बच्चों, ऑडिट का काम, ऑडिट का काम क्या है, ये ना बच्चे, ऑडिट का कमेटी का काम ये है बेसिकली, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट और सॉरी ऑडिटर, राइट, उसकी रेमुनरेशन, फिर वो ऑडिटर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इंटरनल कंट्रोल कंपनी का स्ट्रांग है या नहीं है, कंपनी जो ने जो फंड रेस किए हैं
वो इन रियलिटी लगा कहाँ पे रही है, कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रही है देखेगी, कंपनी 186 कर रही है ऑडिट कमेटी देखेगी, ये सारे के सारे काम कौन करेगा? ऑडिट कमेटी. कौन करेगा? हेलो ऑडिट. अब अगर ऑडिट कमेटी की कंपोजिशन, आप कंपोजिशन में दो बातों का ध्यान रखना, एक तो कंपोजिशन एज पर कंपनीज एक्ट और एक है एज पर क्या करें, तैयार हो, समझ आ रहा है तुम्हें? एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर एलओडीआर. कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन है और एलओडीआर के अकॉर्डिंग 18. जिन्होंने वो किया है ना सेकेंड ग्रुप में है SLCM, LODR तो उसमें पूरा ही है. कौन कौन है जो सेकेंड ग्रुप भी दे रहे हैं? बढ़िया. LODR राइट. रेगुलेशन 18 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दो ही कराइए, 17 और 29 करवाने को तो मैं 5 और लिखवा लूं, पर तुम्हें याद नहीं होनी, तुम सेक्शन पे फोकस करो. डन. आइए वो कह रहा कितने डायरेक्टर मिनिमम 3, मिनिमम इसमें भी कितने हैं? मिनिमम 3. इसमें कहते हैं मेजोरिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मेजोरिटी क्या होनी चाहिए? इसमें कहते हैं 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, क्या होना चाहिए? 2/3 इंडिपेंडेंट, 2/3 इंडिपेंडेंट. चेयरमैन, इसमें बोलते हैं चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसमें भी क्या बोलते हैं? चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अब वो क्या कह रहे हैं? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग चेयरमैन फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए. फाइनेंशियल लिटरेट का मतलब बैलेंस शीट वगैरह पढ़ने लिखने आती हूँ. अब अगर देखो ध्यान से, अगर लिस्टेड कंपनी क्वेश्चन आ जाए तो ऑब्वियसली आपको लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज तुम ज्यादा होशियार बन के दोनों का कंपैरिजन नहीं करके आओगे, तुम सिर्फ क्या लिख कर आओगे? मिनिमम डायरेक्टर. हेलो बोल लो. मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मेजोरिटी इंडिपेंडेंट, चेयरमैन इंडिपेंडेंट. एक बार दोबारा, ऑडिट कमेटी की कंपोजिशन मिनिमम डायरेक्टर 3, मेजोरिटी इंडिपेंडेंट, चेयरमैन इंडिपेंडेंट, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल लिटरेट. क्या होना चाहिए? मतलब पढ़े लिखे तुम्हारे जैसे. क्या यहां तक ठीक है? यस और नो. क्या मीटिंग भी होगी इसकी? अब सुनना ध्यान से, कंपनीज एक्ट में कुछ नहीं लिखा मीटिंग के लिए, बट LODR बोलता है जैसे बोर्ड को मिलवाते हो वैसे इसको भी मिलवा लो. मीटिंग के लिए कंपनीज एक्ट में नो प्रोविजन, जब चाहो मिल लो. पर ये क्या बोलता है? एटलीस्ट 4 times इन अ ईयर एंड मैक्सिमम गैप. क्या डन है यहां तक? क्या कंपोजिशन थोड़ी थोड़ी याद हो गई? यस और नो. अब फंक्शंस लिख सकते हो आराम से. आइए देखो, वैसे यहाँ पे ये सब लिखा भी हुआ है, एटलीस्ट 4 times शेल बी 1/3 और 2 विच एवर इज हायर टू रिव्यू एंड मॉनिटर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट टू अप्रूव रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड रेज थ्रू पब्लिक. क्लास में तो आई गेस हमने ज्यादा लिखे है. यस और नो? ब्रेक, चुप कर जाओ, ब्रेक आ जाओ. अब देखो ये तो था बच्चों वाला काम, कंपोजिशन फंक्शंस. अब आता है ओमनीबस अप्रूवल. ठीक है, अब जिन्होंने आई गेस मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैं प्रॉपर टाइम नहीं लगा रही हूँ ओमनीबस अप्रूवल पे, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगाते हैं. देखो बच्ची, ओमनीबस अप्रूवल का मतलब क्या होता है? सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन 188 ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो होगी रिलेटेड पार्टी की वो ऑडिट कमेटी से अप्रूव होते हुए गुजरेगी. ठीक है, मतलब अगर आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करना है, एक बार लाइव एट होम वाले बच्चों तुम बताना तुमने अपने पास अप्रूवल कर रखा है. अगर आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करना है, यू फर्स्ट नीड अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी इफ योर कंपनी हैज ऑडिट कमेटी. डन. अब मेरी बात सुनना, अब मेरी कंपनी है और मेरी सिस्टर की कंपनी है, क्या मैं और मेरी सिस्टर रिलेटेड पार्टी है? भाई इसमें क्या शक है? रिलेटेड पार्टी है हम. अब अगर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो पहले किसकी अप्रूवल लेनी है? ऑडिट कमेटी की. किसकी लेनी है? ऑडिट कमेटी की. बट लेट अस सपोज हमारे बीच में ना फ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि मतलब साल में 12, 13, 14, 20 ट्रांजेक्शन हो रही है. जब मेरे बच्चे मेरी कंपनी में 20 ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो मैं हर बार ऑडिट कमेटी को क्या परेशान करूंगी?
इससे बेटर तो एक ही बार अप्रूवल ले लिया जाए, यस और नो? दैट इज ऑमनिबस अप्रूवल. दैट इज व्हाट? ऑमनिबस अप्रूवल. ऑमनिबस वी कैन से ब्लैंकेट, वी कैन से ब्लैंकेट, कि जब ऑडिट कमेटी सब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए एक ऑमनिबस अप्रूवल दे देती है कि कर लो. अब मेरी बात सुनना, ऑमनिबस अप्रूवल ऑडिट कमेटी को देना कंपलसरी तो नहीं है. ऑडिट कमेटी क्या देखेगी कि भाई अर्जेंसी है या नहीं, अर्जेंसी है या नहीं. मान लो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो अर्जेंटली करनी है, उसमें तो मैं नहीं ले पाऊंगी ऑडिट कमेटी की अप्रूवल बार बार जाके, तो ऑमनिबस की जरूरत पड़ेगी. बट कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो मैं आराम से कर सकती हूँ, उसमें तो भाई जब जब ट्रांजैक्शन होगी तब तब अप्रूवल ले लूंगी. मतलब ऑडिट कमेटी ऑमनिबस अप्रूवल देते हुए क्या बहुत सारी चीजें देखेगा, हाँ या ना? और देखने के बाद भी शैल ग्रांट ऑमनिबस अप्रूवल या मे ग्रांट? मे. क्या डन है यहां तक? अब आइए, क्या थोड़ा सा लिखवा दूं आप लोगों को? आ जाओ. ऑमनिबस अप्रूवल, ऑमनिबस. आइए, द ऑडिट कमेटी specify the criteria for making omnibus approval. अच्छा, ये omnibus approval किसके लिए? Related party transactions के लिए. किसके लिए? Related party transaction. क्योंकि अगर आपकी कंपनी में audit committee है, then it is mandatory कि section 188 वाले जितनी transaction करोगे कैसे पास होगी? Audit committee से. Criteria for making ऑमनिबस अप्रूवल, जैसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस इन एग्रीगेट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस इन एग्रीगेट, मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन. अच्छा, कल मेरे बच्चे, मैं आपको बता रही हूं 50 क्वेश्चंस होंगे, तुमने ये मिस कर दी है यू कैन अफोर्ड, बट क्वेश्चंस मिस करने यू कैन नॉट अफोर्ड. क्वेश्चंस की क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, मैक्सिमम 2 to 3 hours की होगी. तो मेक श्योर एक जब भी टाइम होगा 1 बजे से होगा मोस्ट प्रोबेबली, 1 से 4. डू कम एंड डू अटेंड, राइट? यहाँ आना चाहो यहाँ जाना, लक्ष्मी नगर सॉरी, और वो ऑनलाइन लेना ऑनलाइन ले लेना. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इन एग्रीगेट, मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजेक्शन. रेपिटेटिवनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, अगर कोई ट्रांजेक्शन ज्यादा रिपिटेटिव नेचर की है तो ऑडिट कमेटी ग्रांट कर देगी कि यार ये तो होती रहती है. बट अगर कोई ट्रांजेक्शन कम नेचर, दैट इज नॉट रेपिटेटिव, तो ऑडिट कमेटी ग्रांट ही नहीं करेगी. रेपिटेटिवनेस ऑफ ट्रांजेक्शन एंड जस्टिफिकेशन, घर वाले पूछे नाइट आउट पे क्यों जा रहे हो, क्या जस्टिफिकेशन दोगे? जागरण है. ऑमनिबस अप्रूवल डन, बातें नहीं. ये सारी चीजें देखकर ही आपकी बेसिकली जो ऑडिट कमेटी है वो आपको ऑमनिबस अप्रूवल देगी, और ऑमनिबस अप्रूवल मैक्सिमम वैलिड होगा 1 साल के लिए. मैक्सिमम कितने साल के लिए वैलिड होगा? अब मेरी बात सुनना, वो कह रहा है कि कुछ मान लो ऐसी ट्रांजेक्शन है जो हम पहले नहीं फोर्सी कर पा रहे थे, हमें नहीं पता था कि वो ट्रांजेक्शन हमें करनी पड़ेगी, बट अभी हमें वो ट्रांजेक्शन करनी पड़ रही है. लाइक द नेचर इज वेरी न्यू, द नेचर इज नॉन रेपिटेटिव, एंड ऑडिट कमिटी उसके लिए ऑमनिबस अप्रूवल दे रही है. तो उस केस में जो मैक्सिमम अमाउंट होगा एक ट्रांजेक्शन का वो होगा 1 करोड़. क्या होगा? 1 करोड़. क्या डन है यहां तक? लिख लो फटाफट से. आइए चलें आगे.
क्या ओमनीबस अप्रूवल क्लियर है? मैक्सिमम वन ईयर फॉर ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी फोरसीन. अगर आप ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए दे रहे हो जो आपको नहीं लगता कि होंगी, राइट तो उसके लिए मैक्सिमम एक ट्रांजेक्शन के लिए कितना? 1 करोड़. आइए चलें आगे बच्चे. अब सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आप आरपीटी कर रहे हो, आपको ओमनीबस अप्रूवल मिल सकता है, बट सेल ऑफ अंडरटेकिंग के लिए आपको ओमनीबस अप्रूवल नहीं मिलेगा. मतलब जब जब आप अपनी अंडरटेकिंग सेल करोगे अपनी रिलेटेड पार्टी को, क्या तब तो फ्रेश अप्रूवल लेनी पड़ेगी? यस राइट. ये बात लिख लो, ये मैं आपको तरीके से लिखवा देती हूँ. यार मेरी राइटिंग ना थोड़ी सी अजीब सी हो गई है. ओमनीबस अप्रूवल शेल नॉट बी मेड फॉर ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेलिंग और डिस्पोजिंग द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी. हाँ आज का सेशन मैं डिलिबरेटली ट्राई करूंगी कि छोटा रहे, बिकॉज आज जो सेक्शंस करवा रही हूँ आई वॉन्ट कि आप इसको एग्जाम से पहले भी देख कर जाओ. तो उसके लिए अगर मतलब 4 आवर्स में कंप्लीट होता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि 4 आवर्स को अगर तुमने 2x पे करके देख लिया. और ये सेशन ऐसा अगर आप देख रहे हो उसमें हर A to Z चीज कवर है, तो अगर तुमने 2 घंटे इस पे लगा लिए तो तुम्हारा जो बोर्ड मीटिंग का पूरा पार्ट है ना वो एकदम खत्म है बिना रिवाइज किए भी. तो आई डिलिबरेटली वॉन्ट कि ये छोटा हो, तो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चल रही हूं. आई गेस मेजर सेक्शंस हो भी गए क्या? 173 हो गया, किसका है बता दो जल्दी. 174, 175, 176, 177, 178 NRC. आइए क्या ऑडिट के साथ साथ विजिल मैकेनिज्म भी है? आ जाओ. विजिल मैकेनिज्म देखो वो क्या कह रहा है. विजिल मैकेनिज्म विसल ब्लोअर कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है. मान लो मैं तुम्हारे तुम पे अत्याचार कर रही हूँ, तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ, तुम जाके कंप्लेंट कर सकते हो विवेक सर को, अरुण सर को, किसी को, कहीं कहीं भी, राइट. सो दैट इज विजुअल मैकेनिज्म. वो बात मुझ तक नहीं पहुंचेगी. क्या तुम्हें ऐसा लगता है? फिर पहुंच ही जाएगी मैम. आइए अच्छा विश्वास आइए फिर आप हमारे साथ करोगे नहीं. चल आप विजुअल मैकेनिज्म विसल ब्लोअर राइट. So, वो कह रहे आर हर एक कंपनी को विजुअल मैकेनिज्म कमेटी भी बनानी है. एवरी लिस्टेड कंपनी, भाई लिस्टेड कंपनी तो दुनिया जहान के हर काम करने. एवरी लिस्टेड कंपनी कंपनी विच एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट. हम मुझे ये बता दो पब्लिक डिपॉजिट कौन सी कंपनी एक्सेप्ट करती है? पब्लिक कंपनी. ये भगवान ये सुनने से पहले अब ये बता दो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन होती है? जिस हाँ शुरू करो जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल पे क्यों रुक गए 50 करोड़. चलो खैर अभी मुझे भी याद नहीं है. अच्छा देख लेना एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड कंपनी जिसकी बोरिंग फ्रॉम बैंक कितने 50 करोड़ से ज्यादा. अब वो कह रहा अगर देख तूने ऑडिट कमेटी बना ली तेरी वही कमेटी विजिल मैकेनिज्म वाला भी एक्ट कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर मान ले तेरी कंपनी में विजिल मैकेनिज्म ऑडिट कमेटी नहीं है, विजिल मैकेनिज्म बनानी है, तो बोर्ड के किसी डायरेक्टर को ऑथराइज कर दो. क्या डन है? अच्छा विजिल मैकेनिज्म किस किस को बनानी है जल्दी बताओ. एवरी लिस्टेड कंपनी, कंपनी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम हेलो पब्लिक और बोरिंग जिसकी कितनी है 50. बच्चे छोटे रखने का मतलब ये नहीं होता कि कंटेंट कम है. सबसे पहली बात तो ये, मतलब अभी तक मैंने आई गेस जितना कंटेंट करा दिया आई कैन वाउच ऑन दिस कि उतना कंटेंट कहीं भी नहीं है. आई कैन लिटरली वाउच ऑन दिस. तो क्लास छोटी का मतलब ये नहीं होता कि कंटेंट कम है.
ये सबसे, और क्लास लंबी का मतलब ये नहीं होता कि कंटेंट ज्यादा है, ये बात बहुत, ऐसा नहीं है मैंने 8 घंटे की कंटेंट क्लास ले ली तो भाई बहुत ज्यादा, ऐसा कभी भी नहीं होता बच्चे। आइए, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट? और तुम लोग करते हो। खैर आ जा, एवरी लिस्टेड कंपनी, कंपनी विच एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स एंड कंपनी जिसकी बोरिंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 50 करोड़ से ज्यादा। अब लिखो, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी इस विजिल मैकेनिज्म वाला काम कर लेगी, यस और नो? लिखो, अब कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी बट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड विजिल मैकेनिज्म then board shall fix responsibility to one director, मेरा बस चलता ना तो मैं सारा 2 घंटे में खत्म करा देती, चाहे तुम उसको 10 बार देखो। बुक अभी अभी ऑफ कर रहे हैं, खाना खा के आया करो ना, 11 बजे क्लास टाइम नहीं तो ये नहीं कह सकते तुम। जल्दी जल्दी मांग, अभी कर रहे हैं छुट्टी, अभी कर रहे हैं, रुको। अरे मतलब यार क्या है वो ब्रेक, आधी छुट्टी, यू नो रिसेस। आइए लिखो, तुम्हें सब करवा रखा है, आप सुनना विजिल। अच्छा मुझे एक बात बता दो, ये रोहित विजिल मैकेनिज्म कौन सी कंपनीज को बनानी है? तुम रोहित हो हैं, बताओ। हाँ क्या बैंक में जिसके पास 50 करोड़ हो? हे भगवान, इससे गलत इंटरप्रिटेशन कसम से नहीं हो सकती थी। हाँ मतलब कि आगे, अच्छा आगे बैंक में जिसके पास 50 करोड़ हो, आगे भूल गए तुम, तुमने सुना ही नहीं था, सुनो। एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी कंपनी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, और जिसके बैंक में 50 करोड़ नहीं, जिसकी बोरिंग 50 करोड़ से ज्यादा हो, आ जाओ। अच्छा ये था, हाँ ये था, शेल एस्टैब्लिश विजिल मैकेनिज्म कमेटी फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट जेन्युइन। क्या चुगलियां कर सकते हो वहां जाके, जो मर्जी करो तुम। अच्छा आप एक और, जिसको इंडिपेंडेंट रखना है उसको ऑडिट कमेटी बनानी है, उसको एनआरसी भी बनानी है। एनआरसी किसको बनानी है? एनीवन इन द क्लास, एवरी पब्लिक कंपनी, पेड़ा शेयर क्या पेड़ 10 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा, बोरिंग 50 करोड़ से ज्यादा, रेवी लिस्टेड कंपनी, रट जाना चाहिए। अच्छा वुमेन डायरेक्टर कौन सी कंपनी में होनी चाहिए? हां जी पेड ऑफ शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा, और लिस्टेड कंपनी, और टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज में वुमेन कौन होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। क्या याद है सबको? आई एवरी लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी, पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा, आउटस्टैंडिंग बोरिंग 50 करोड़ से ज्यादा, मेंबर्स इन आरआरसी। अच्छा ऑडिट कमेटी में कितने मेंबर थे? हेलो मेजोरिटी क्या थी? चेयरपर्सन कौन था? इसमें कह रहा 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव, 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव, जिसमें से आधे क्या होने चाहिए? और चेयरपर्सन, देखो चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। जो मेरी कंपनी का चेयरपर्सन है वो उस कमेटी का मेंबर तो हो सकता है पर उस कमेटी का चेयरपर्सन नहीं हो सकता। फटाफट से, एनआरसी कमेटी है कितने मेंबर? 3 नॉन एग्जीक्यूटिव, कम से कम कितने? 3 नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर, चेयरपर्सन, हेलो चेयरपर्सन कंपनी का, उस कमेटी का चेयरपर्सन नहीं होना चाहिए। एंड कंपनी शैल आइडेंटिफाई पर्सन हु आर क्वालिफाइड टू बिकम डायरेक्टर्स। बेसिकली एनआरसी का काम क्या है, क्या है काम एनआरसी का, जल्दी जल्दी बता दो। एनआरसी का काम क्या है मेरे बच्चे? लेवल के अकॉर्डिंग रेमुनरेशन फिक्स करना,
राइट, आपको ये देखना कि वो लोग काम भी कर रहे हैं रेमुनरेशन के अकॉर्डिंग, नहीं वो उसकी रोटियां तो नहीं तोड़ रहे। अच्छा, मेरी एक ना फ्रेंड है, तो वो जब उससे पूछा जाता है ना सैलरी कितनी मिलती है, तो बोलती है पीनट्स मिलते हैं, पीनट्स, यू नो पीनट्स, मूंगफलियां, मतलब मूंगफलियों के दाने छोटे छोटे, मतलब इतनी कम सैलरी मिलती है। अच्छा आप वो देखो, वो जब ये बोलती है इसका मतलब क्या कि एनआरसी ने अपना काम सही से नहीं किया, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो कहने का मतलब ये क्या है यहाँ पे कि जो एनआरसी होती है उसका बेसिकली काम क्या है, उसका बेसिकली काम ये है कि आपका अकॉर्डिंग टू लेवल रेमुनरेशन फिक्स करो, और आप देखो कि आपको जो रेमुनरेशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम भी ले रहे हो सामने वाले से या नहीं ले रहे, डायरेक्टर की एमपी की अपॉइंटमेंट, सीनियर मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट, ये भी सब देखो क्या ठीक है। अगर आ गया तो क्या लिखाओगे? हाँ लिखाओगे। अब आओ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, जिस कंपनी में हजार, कहां गया यार, हाँ जिस कंपनी में मोर देन कितने मेंबर्स हो, 1000 मेंबर, डिबेंचर होल्डर एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर, उसको क्या बनानी है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। क्या बनानी है बच्चे? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, एट लीस्ट 3 डायरेक्टर्स। ये देखो उसमें कंपोजिशन ही दे रखी कंपनीज एक्ट में, LODR में बोला एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स विद एटलीस्ट 1 बीइंग इंडिपेंडेंट, 1 बीइंग इंडिपेंडेंट। क्या डन है यहां तक? आगे चलें। एंड शेल मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। एक नई कमिटी के बारे में बता रही हूं जो कि एग्जाम में बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। आइए लिखते हैं उसके बारे में। वैसे कब तक चलेगी क्लास यार? 3 बजे तक। हाँ ब्रेक ही बोल रही हूं, 3 बजे मिलेगा। अरे दे रहे हैं ब्रेक, रोना नहीं, आ जाओ रिस्क मैनेजमेंट कर लो बस। रिस्क मैनेजमेंट के बाद पक्का एक और सेक्शन ब्रेक। हाँ रिस्क मैनेजमेंट कर लो फिर क्लास भले। हाँ मैम आपको तो आप तो ले लो 6 तक 8 तक ले लो, हमें खाना खाने दो, बहुत बढ़िया। अरे आप रिस्क मैनेजमेंट कर लो, ले लेना। मैं क्लास मतलब क्लास के टाइम पे अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा। आइए आई अभी कर रहे हैं बस। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी लिखो, रेगुलेशन 21 ऑफ सेबी LODR। वो कह रहा है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में कम से कम टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बननी चाहिए, मिनिमम 3 मेंबर्स, और जो मेजॉरिटी होगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही होंगे मेंबर्स। और जो चेयरपर्सन होगा वो भी मेंबर होगा बोर्ड का। मीटिंग की बात करो, एटलीस्ट 2 इन अ ईयर। कोरम 1/3 और 2, विच एवर इज हायर, एंड एटलीस्ट 1 बोर्ड मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। और मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स 180 डेज। हाँ जी हो गया। देखो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्यों चाहिए, ऑब्वियसली रिस्क रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, राइट, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रिस्क रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। रिस्क रिपोर्टिंग एंड
मॉनिटरिंग। क्या डन है यहां तक? हाँ जी आगे चले। सो नाउ रिस्क मैनेजमेंट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रिस्क रिपोर्टिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स इट। और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कमिटी में एलओडीआर रेगुलेशन लग रही है, मिनिमम 3 मेंबर जिसमें से मेजोरिटी डायरेक्टर्स होंगे, जो चेयरमैन होगा वो भी डायरेक्टर्स में से एक होगा, शैल मीट ट्वाइस इन अ ईयर, कोरम 1/3 or 2 whichever is higher, बट बोर्ड का एक पर्सन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद 2 मीटिंग के बीच में 180 दिन से ज्यादा का गैप, क्या कुछ मुश्किल है? चलो अब गिनती के 2-3 सेक्शन रहते हैं, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193। आइए यार 188 सोच रही हूँ रिवीजन हो पाएगी उसकी या नहीं, वो बहुत ज्यादा बड़ा, देखते हैं। डेज बिटवीन 2 मीटिंग्स, सेक्शन नहीं है मेरे बच्चे, सेक्शन नहीं है, एलओडीआर में ही मेंशन है। क्या चले बच्चे अब ब्रेक चाहिए तुम्हें? 15 मिनट का बहुत है, राइट? एग्जैक्टली वील मीट एट 1:45, राइट? एग्जैक्टली ओके। लाइव एट होम वाले बच्चों आ जाओ फटाफट से आ जाना, टॉप 1000 है बच्चे, 1000।
हेलो हेलो हेलो, आ जाओ फटाफट लाइव एट होम वालों। तुम मेरे हाँ जी, हेलो 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 हेलो, हो गया टाइम, फटाफट से आ जाओ। चलें आगे। टाइम से आ जाया कर, उसको बोलो भैया। आइए, चलो लंच कर लिया सबने, तो अभी क्या करके आए हो फिर? भूख लग रही थी तुम्हें तो? बहुत बढ़िया, था ही नहीं कुछ बाहर। अब आज वो आए हुए तो पुलिस वाले उठवा दिया ना सबने। एक चाय दे दो बस। चाहिए तुम्हें? चाहिए है चाय? और दे दो इनको, दे दो, दे दो जिनको पीनी है, दे दो सबको। आइए, सेक्शन 184। अब बहुत ध्यान से 184, 185 और 186, ये ऐसे सेक्शंस हैं जिनको ना रिवीजन में कवर करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। बस और किसी ने नहीं लेनी? ये दे दो भैया, ये दे दो, तीन कप दे दो, तुमने नहीं। आइए, चलो, ये ऐसे सेक्शंस हैं मेरे बच्चे जिनको रिवीजन में कवर करना मुश्किल है, बट ऑब्वियसली हम करेंगे एंड पूरा करेंगे एक तरीके से, तो चाहे थोड़ा टाइम लग जाए बट विल डू इट कंप्लीटली, राइट। आइए, वो क्या बोल रहा है देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर और एक होता है जर्नल डिस्क्लोजर। एक होता है स्पेसिफिक और एक होता है जर्नल। आपको ध्यान रखना है, जब जब सेक्शन 184 आए तो दो तरीके के डिस्क्लोजर होते हैं, स्पेसिफिक जर्नल। जर्नल जो हर बार देना ही देना है, स्पेसिफिक जो टाइम के अकॉर्डिंग देना है। अब जैसे मैं कंपनी की डायरेक्टर बन गई, अब जितना मेरा इंटरेस्ट है, जितनी एंटिटीज में मेरा इंटरेस्ट है, वो मुझे बताना ही बताना है। जब मैं डायरेक्टर बनी उसके बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग हुई उसमें बताना है। जब मेरी मतलब पूरा ईयर खत्म हुआ, ईयर के बाद जब नई बोर्ड मीटिंग हुई उसमें बताना है। जब मेरा इंटरेस्ट चेंज हुआ, इंटरेस्ट चेंज होने के बाद जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें बताना है। मतलब क्या, दैट इज जर्नल डिस्क्लोजर, आई हैव टू गिव इट एनीवे। बट स्पेसिफिक का मतलब क्या है, जब मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उस टाइम पे जो मेरे को डिस्क्लोजर देना है, दैट इज व्हाट, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। क्या डन है यहां तक? अब मुझे एक बात बताओ, जर्नल डिस्क्लोजर कितने टाइम में देना है? तीन टाइम्स। पहला फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, दूसरा साल की पहली बोर्ड मीटिंग, तीसरा जब इंटरेस्ट चेंज हुआ उसके बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग हुई उसमें। क्या जर्नल क्लियर है? कौन से फॉर्म में मेरे बच्चे? MBP 1। कौन से फॉर्म में? MBP 1। एंड शेल बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, शेल बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, वेरी गुड। अब आ जाओ स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक कब देना, सुनना ध्यान से। अब ये मैं हूं, ये मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर की कंपनी है, ठीक है, और उसकी डायरेक्टर कौन है? भूमिका। और ये मैं हूं, डन। अब सुनना, अब क्या हो रहा है, ये भूमिका की कंपनी मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, क्या इस केस में भूमिका इंटरेस्टेड है पूरी पूरे तरीके से? तो क्या जब ये कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो क्या भूमिका को बताना पड़ेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूं, यस और नो? अब ये तो ना हमने हवा में एग्जांपल ले लिया कि आपने कहा यार ये इसकी बहन है तो इंटरेस्टेड तो होगी,
अच्छा बट आपने ये नहीं समझा, ये बहन है तो रिलेटेड पार्टी में भी आएगी। दिमाग चला रहे हो तो पूरी तरीके से चलाओ ना। तुमने कहा इंटरेस्ट, अब ध्यान से सुनो, तो मतलब मेरे को स्पेसिफिकली देखना है कि इंटरेस्टेड कब होगा और कैसे होगा। अच्छा तुम किसी में इंटरेस्टेड कब होते हो? जब बेनिफिट होता। अच्छा बेनिफिट तो मतलब देखो एग्जांपल, बेनिफिट किस तरीके का? अरे कितने इमोशनल बेनिफिट नहीं, मॉनेटरी। कितनी लालची हो यार तुम, छी यार। अच्छा पता क्यों पता लग रहा है, सच में बताऊं? क्योंकि है नहीं, है नहीं। जब आ जाएंगे ना, मतलब बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है पैसे, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी, पर जब वो आ जाते हैं थोड़े से भी तो फिर लगने लग जाता है कि यार फैमिली के साथ होने चाहिए, घर वालों के साथ होने चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अरे यार गला क्यों खराब हो गया, राइट? अलग अलग चीजें हैं। खैर आ जाओ, चल तुम्हारे लिए भी पैसा है और तुम्हें अभी रखना भी पैसा चाहिए क्योंकि तुम्हारी अभी हम लोगों की एज है वो पैसे वाली। आओ चलो, बूढ़े तो नहीं हुए हो खैर तुम, आइए देखो। इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट मतलब क्या? अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है फर्म के साथ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के साथ, इस तरीके के साथ। मेरी कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और उस बॉडी कॉर्पोरेट में सच डायरेक्टर और सच डायरेक्टर इन एसोसिएशन विद अदर डायरेक्टर होल्ड मोर देन, आएगा यहां पे होल्ड मोर देन 2% ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट और इस प्रमोटर और मैनेजर और सीईओ ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट, इसका मतलब क्या है, वो उसमें इंटरेस्टेड है। बच्चे नोट्स वेबसाइट पे है, यू गाइस हैव टू परचेज इट, राइट? यू गाइस हैव टू परचेज इट। अब सुनना ध्यान से क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे इनको बनाने में, सो वेबसाइट पे आपको परचेज करने पड़ेंगे बच्चे। अब सुनना ध्यान से, हाँ जी। अब ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी का डायरेक्टर है। अब ये कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब मेरा मतलब यानी उस डायरेक्टर का, या तो वो डायरेक्टर उस बॉडी कॉर्पोरेट में मोर देन 2% होल्ड करता है, या वो उसका प्रमोटर है, या वो उसका डायरेक्टर है, या वो उसका क्या है, सीईओ। तो उसमें क्या है, इंटरेस्ट। सॉरी, क्या है इंटरेस्ट? अब सुनना, सेम ये मेरी सिस्टर की कंपनी है और ये मेरी कंपनी है शिवानी। मेरी सिस्टर की कंपनी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब मेरी सिस्टर का मेरी कंपनी में 2% नहीं है, वो मेरी सीईओ भी नहीं है, वो मेरी मैनेजर भी नहीं है, वो मेरी एमडी भी नहीं है। क्या अब ये कंपनी इसमें इंटरेस्टेड है? नहीं। आप ये कह सकते हो कि ये रिलेटेड पार्टी है, विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट अभी इंटरेस्टेड की बात चल रही है। क्या इंटरेस्टेड हो जिंदा लाश हो, हाँ या ना? बॉडी कॉर्पोरेट में इंटरेस्टेड कब होगे? या तो मोर देन 2% ऑफ शेयर होल्डिंग, या फिर प्रमोटर मैनेजर। यहां डायरेक्टर क्यों नहीं आया? बताओ, तुम तो लो के जादूगर हो, बताओ क्यों? सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि लॉ ही डायरेक्टर अप्लाई करता है कि भाई 20 कंपनी में तो डायरेक्टर बन जा। अगर मैं 2 कंपनी में डायरेक्टर हूं तो मुझे इंटरेस्टेड मान लोगे, ये क्या ड्रामेबाजी है? यस और नो? बट अगर मैं एमडी हूं तो मतलब मेरे पास क्या सब्सटेंशियल पावर आ रही होंगी? मैनेजर, ध्यान से देखो लॉ मेकर क्या बोल रहे हैं। लॉ मेकर बोल रहे हैं, अगर आपकी कंपनी किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एंड आपका, देखो ऐसे करो, करो ऐसे पहले, हेलो, आपकी कंपनी किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और आपका इस बॉडी कॉर्पोरेट में या तो मोर देन 2% है, या आप इसके प्रमोटर हो, या मैनेजर हो, या सॉरी क्या हो, सीईओ, तो आप इसमें क्या हो? जब मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपको कंपनी को क्या देना है? डिस्क्लोजर। अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरीके का चार्ट बन रहा होगा माइंड में, इसी तरीके का बन रहा है। ये कंपनी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तुम्हारा इसके साथ रिश्ता है, तुम इसको डिस्क्लोजर दे रहे हो, हाँ या ना? अब दूसरा, ये तो बॉडी कॉर्पोरेट की बात रही, मेरी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करी है किसी फर्म के साथ या दूसरी एंटिटी के साथ जिसमें मैं
मतलब उस कंपनी की डायरेक्टर क्या हूं, पार्टनर हूं, ओनर हूं, मेंबर हूं। तो क्या मेरे को, सुनना, क्या मेरे को उस केस में इन डिस्क्लोजर देना है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, मान लो गोलमो रिलायंस, गोलमो की डायरेक्टर मैं, मेरा रिलायंस में 10% स्टेक है, क्या मैं रिलायंस में इंटरेस्टेड हूं? नो, 10-2 से ज्यादा है, कम है, पक्का ना? आप सुनना, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अब मेरे को डिस्क्लोजर देना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। क्या लॉ मेकर ऐसा बोल रहे कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बोल रहे डिस्क्लोजर देना है। अच्छा, अगर तुमने डिस्क्लोजर दिया तो मैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर बन गए, इंटरेस्टेड डायरेक्टर बनने के बाद कैन यू पार्टिसिपेट इन मीटिंग, बैठ सकते हो बस जाके, क्या बोल सकते हो जाके, क्या डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या कोरम में काउंट हो गए, क्या चाय पी सकते हो? आ जाइए, देखो, shall disclose the nature of his concern at the meeting and shall not participate in such meeting. भाई प्राइवेट कंपनी तो दुनिया जहान की एग्जम्पशन है, पता नहीं है ही क्यों प्राइवेट कंपनी, क्या डन है, पक्का पक्का? आइए, एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर विदाउट कंप्लाइंग अबव रेगुलेशन शेल बी वॉइडेबल, नॉट वॉइड, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर इज लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 1,00,000 रुपीज। ये ध्यान रखना है कि अगर आपने बिना डिस्क्लोजर दिया आपकी कंपनी इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गई तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड, दैट इज एट द ऑप्शन ऑफ, क्यों भाई, नुकसान तो कंपनी का ही था, तुमने इस इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स में वोट कर दिया तो क्या डन है? 184 में कोई दिक्कत? अच्छा, वैसे 184 बहुत बड़ा यार, देखो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बिकॉज मेरे को यहाँ पे आपको विद मतलब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से करवाना है, ठीक है? आइए, सेक्शन 185 ये मेन सेक्शन है, लोन टू डायरेक्टर्स। क्या 184 डिस्क्लोजर कंप्लीट है मेरे बच्चे? आइए, लोन टू डायरेक्टर्स, लोन टू डायरेक्टर्स का मतलब क्या है कि कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है या नहीं, तो दे। 185 को ना बेसिकली मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, एक जो कर ही नहीं सकते, एक जो कर सकते हैं पर, और एक जो कर सकते हैं बिना परवर, समझ गए? एक प्रोहिबिशन, एक रिस्ट्रिक्शन, एक एग्जम्पशन, क्लियर है? हेलो जिंदा लाशो, 185 को तीन पार्ट्स में। पहला, बच्चे बीए नोट्स कहां मिलेंगे? वेबसाइट पे मिलेंगे, बता तो दिया आपको। अब लेने का मतलब मुझे ऐसा लगता है यार, अगर आपको लेने हैं तो विद इन 1-2 डेज ले लो, अदरवाइज रहने दो, क्योंकि पेपर तो तुम्हारे आने ही वाले हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मतलब ठीक है, लग रहा है कि हेल्प हो जाएगी तो ले लो सोच समझ के, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि ले लो, देख लो। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब लोन दे ही, रिस्ट्रिक्शन मतलब दे सकते हैं पर, एग्जम्पशन जो मर्जी करो, राइट? आइए, कंपनी शेल नॉट डायरेक्टली और एडवांस एनी लोन, गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी टू 1, 2, 3, 4, मतलब दिस इज प्रोहिबिशन, सॉरी, दिस इज व्हाट प्रोहिबिशन, दिस इज व्हाट प्रोहिबिशन, कि कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन चार लोगों को लोन गारंटी सिक्योरिटी दे ही। पहला, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, पार्टनर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, मतलब पार्टनर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, एनी फर्म इन विच सच डायरेक्टर इज अ पार्टनर और सॉरी सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज पार्टनर, हर कोई रट के चला जाता है, तुम भी वही करोगे। सुनो, आप कितनों को लोन दे ही नहीं सकते, पहले मेरे को, पहला डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर, एक ऐसी फॉर्म जिसमें सच डायरेक्टर और उसका रिलेटिव क्या है, सवाल में रहिए, रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर, सच डायरेक्टर कौन है यहां?
हु इज सच डायरेक्टर? सच डायरेक्टर कौन है? सॉरी, उसका डायरेक्टर, दैट इज सच कंपनी. यहां सच कंपनी कौन है? या तो देखना, क्योंकि इंटरप्रिटेशन चेंज होगी. सुनना, अगर मैं कहती हूं मेरी कंपनी का डायरेक्टर है, तो मतलब मेरे डायरेक्टर का पार्टनर, मेरे डायरेक्टर का रिलेटिव. मतलब होल्डिंग कंपनी के पार्टनर को मैं लोन दे सकती हूँ, होल्डिंग कंपनी के रिलेटिव को मैं लोन दे सकती हूँ. बट अगर सच डायरेक्टर में तुम ये दोनों ले आओगे, तो मतलब इन दोनों के पार्टनर को लोन नहीं दे सकते और इन दोनों के रिलेटिव को लोन नहीं दे सकते. क्या इंटरप्रिटेशन निकल रही है? व्हाट डू मीन बाय सच डायरेक्टर? दोनों डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी. अच्छा, इसको याद करना है, प्लीज इसको याद करना है. मैनेजर ही कवर है मेरे बच्चे, मैनेजर कवर है. चलो आओ. प्रोहिबिशन मतलब लोन ही नहीं दे. इमेजिन कर लो, यहां वो लोग खड़े, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग, फिर इन दोनों शक्लों के प्रमोटर, सॉरी इन दोनों शक्लों के रिलेटिव और पार्टनर, फिर एक ऐसी फर्म जिसमें या तो ये पार्टनर है या इनके रिलेटिव पार्टनर है. क्या हो गया? पक्का पक्का आओ. कौन कौन किस किस को कंपनी लोन नहीं दे सकती? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, एक ऐसी फर्म जिसमें डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी या डायरेक्टर ऑफ कंपनी के रिलेटिव या ये दोनों पार्टनर है, या इनके रिलेटिव या इनके पार्टनर. हाँ या ना? ये भी हर बच्चा कर जाता है. सवाल ये कि क्या कंपनी सब्सिडरी के डायरेक्टर को लोन दे सकती है? दे दो, जब नहीं लिखा हुआ तो दे दो. स्पेसिफिकली होल्डिंग मेंशन किया हुआ है ना यहाँ पे, और सब्सिडरी तो वैसे भी अपनी ही है. यस और नो, है ना? आ जाओ. ये कंडीशंस, मतलब अगर इनको देना है तो रिस्ट्रिक्शन, मतलब दे सकते हो. यस, फोन रख दो बच्चे, फोन रख दो तृप्ति. आओ. अ कंपनी मे एडवांस लोन, गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी टू एनी पर्सन इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड. मतलब देखो, तुम डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते, प्रोहिबिशन, पर वो पर्सन जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तुम उसको लोन दे सकते हो. हाँ या ना? अब सुनना, ऊपर हमने इंटरेस्टेड डायरेक्टर की डेफिनेशन अलग की थी, वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर थी, ये विद रिस्पेक्ट टू लिविंग गिविंग लोन है, राइट? तो यहां इंटरेस्टेड अलग है कि क्या डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर को कंपनी लोन दे सकती है. हाँ या ना? क्या कैसे बैठो, क्या चेहरे लटका लटका के? क्या कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है? होल्डिंग के डायरेक्टर को, इन दोनों के रिलेटिव को, इन दोनों के पार्टनर को, एक ऐसी फर्म जिसमें ये पार्टनर है, जिसे एक ऐसी फर्म जिसमें इनके रिलेटिव पार्टनर है, एक ऐसी फर्म जिसमें कोई पार्टनर नहीं है. पर इसमें तो प्रोहिबिशन है, पर क्या एक ऐसे बंदे को दे सकते हैं जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है? मेरे को क्या पता लगेगा किसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है? यस और नो? सुन, आ जाओ. तो ये ठीक है, तीन पार्ट्स. पहला, प्राइवेट कंपनी इन विच सच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर. क्योंकि प्राइवेट कंपनी छुटकू मुटकू तो है, तुम भाई उस प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हो, तुम उस प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो, तो मतलब तुम उस प्राइवेट कंपनी में क्या हो? इंटरेस्टेड. हम तुम्हें तो लोन नहीं देंगे, पर उस प्राइवेट कंपनी को दे सकते हैं. यस और नो? पब्लिक कंपनी नॉट कवर्ड. उसके बाद, एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें मोर देन इक्वल टू 25% वोटिंग राइट तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो तुम उसमें क्या हो? इंटरेस्टेड. हम तुम्हें तो लोन नहीं देंगे, पर उस बॉडी कॉर्पोरेट को दे देंगे. तुम बोर्ड एमडी मैनेजर ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट अकस्टम टू एक्ट विद द डायरेक्टर. तुम लोगों को अपने इशारों पर नचाते हो तुम लोगों को अपने इशारे पे, तुम नाचते हो किसी के इशारे पे, करते क्या हो फिर तुम? नचाते हैं, बढ़िया. अरे नाचने वाले तो हम नहीं है, तेज तो हो वैसे तुम. यू गाइस नो तेज? आइए सुनना. अब आप तीन चीजें बनाएंगे. देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, मैं 188-185 समझा नहीं रही हूँ, राइट? तीन चीजें. पहली, प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन, रिलैक्सेशन. प्रोहिबिशन, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी,
डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, दोनों के पार्टनर, दोनों के रिलेटिव, एक ऐसी फर्म जिसमें या तो ये दोनों पार्टनर है या इनके रिलेटिव पार्टनर है, क्या बात खत्म। उसके बाद तुम उन लोगों को दे सकते हो जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। भाई इंटरेस्टेड महात्मा जी को किसमें मानेंगे? एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें ये डायरेक्टर या ये मेंबर है, एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें ये 25 या उससे ज्यादा परसेंट वोटिंग पावर कंट्रोल कर रहे हैं, एक ऐसी कंपनी जहां के एमडी बोर्ड इनके इशारों पे नाचता है, तो ये वहां क्या हो गए? क्या हो गए मेरे बच्चे? इंटरेस्ट। क्या पास करना पड़ेगा? ऐसा क्या करना पड़ेगा? ऐसा। लेकिन ऐसा पास करके भी यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये किसके लिए लोन दे रहे हूं? बिजनेस एक्टिविटी के लिए। किसके लिए मेरे बच्चे? बिजनेस एक्टिविटी के लिए। क्या यहां तक ठीक है? ये एग्जम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 185 और 186 घोल के पी जाओ, मैं सच में कह रही हूं। मतलब भाई तू इनको लोन दे रहा है ना, कोई कुछ कह के दिखाए, हम मैं खड़े। मतलब कि इनको लोन देने के लिए बीआर ओआर ड्रामेबाजी करने की कोई भी जरूरत। पहला, आप लोन दे रहे हो किसको? एमडीडब्ल्यूडीडी एज अ पार्ट ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्सटेंडेड बाय इट। मतलब आप अपने सब इंप्लॉयज को देते हो। एमडीडब्ल्यूडीडी भी तो आपकी इंप्लॉयज ही है, यस और नो? आप लोन अपने हर एक इंप्लॉय को देते हो, एमडीडब्ल्यूडीडी भी आपके इंप्लॉय है, चलो ठीक है। और पर्सुएंट टू एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय मेंबर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एक स्कीम अप्रूव की थी एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्कीम यू आर गिविंग लोन, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली ओके, डन। उसके बाद कंपनी जिसका ऑर्डिनरी बिजनेस ही लोन प्रोवाइड करना है, होल्डिंग कंपनी अपनी वोली ऑन सब्सिडरी को दे रही है, उस केस में भी ये नहीं लगेगा। आप गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हो, होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी को, देखो लोन नहीं है, लोन नहीं है, गारंटी सिक्योरिटी दे रही है होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को, उस केस में भी सेक्शन 185 नहीं लगेगा। अच्छा, 185 नहीं लगेगा मतलब? क्वेश्चंस करवाएं इसके एक दो। क्या 175 हो चुका है तुम्हारा? एनआरसी किस किस कंपनी को बनानी है पता है ना? आइए चलो, खैर देखते हैं। अब सुनना, इसका मतलब क्या है कि एक तो वो है जिनको आप दे नहीं सकते, एक वो है जिनको आप दे सकते हो पर बायपासिंग एसआर, और एक वो जिनको देने के लिए कोई बीआर एसआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एमडीडब्ल्यूटीडी शर्त क्या है? या तो वो टर्म्स में लिखा हुआ हो या आपने स्कीम एसआर से पास कराई हो। एक ऐसी कंपनी जिसका ऑर्डिनरी बिजनेस ही है, पर देखना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट कितना चार्ज करोगे आप, यस और नो? और तीसरा क्या है मेरे बच्चे, आप अपनी वोली ऑन सब्सिडरी को दे रहे हो लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, या फिर आप अपनी सब्सिडरी के लिए दे रहे हो गारंटी सिक्योरिटी, लोन नहीं? क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट से जिनके पास है एक बार 184 और 5 पढ़ लो, बिकॉज अदरवाइज आपने इनको भूल जाओगे। फटाफट से पढ़ लो 184 और 5। हां जी, हाँ दे सकते सेक्शन 180 इज एग्जम्प्टेड टू प्राइवेट कंपनीज, जो आपको 181 ए बी सी डी कराया था ना, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज, लिख लो। सेक्शन 180 इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम पब्लिक कंपनीज।
आइए। अच्छा यार मेरे को ना मॉड्यूल का एक क्वेश्चन मिला, सेक्शन 180 का करवा दूं? आ जाओ, तुम्हें नहीं आता होगा वो। अच्छा पर इसका ये तीनों तीनों क्लियर है ना? किसको विद कंडीशन, बस विदाउट कंडीशन बता दो, एमडी WTD, उनमें भी एक कंडीशन थी कि क्या या तो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या स्कीम को SR पास करा के, या आपको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, या आप अपनी वॉल्यूम सब्सिडरी को लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, सब्सिडरी को लोन नहीं है गारंटी और सिक्योरिटी। आप सुनना, आ जाओ एक क्वेश्चन। कंपनी है इंडिया की नंबर वन कंपनी, तुम प्यारे बहुत हो यार, गोल्ड लिमिटेड, पेड अप शेयर कैपिटल 100 लाख रुपीस, रिजर्व एंड सरप्लस 50 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 25 लाख, रिवैल्यूएशन रिजर्व 25 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग 125 लाख, शॉर्ट टर्म बोरिंग 50 लाख, टेम्परेरी लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 25 लाख। बोर्ड चाहता है बोरो 50 लाख, बता दो SR पास करना है या नहीं करना? मुझे भी यही लगता था पहले, दोबारा देख लो SR पास करना है नहीं करना, बाद में कुछ मत बोलना। SR पास करना है नहीं करना? हाँ जी, नहीं करना। अच्छा सुनना, 50 लाख लोन लेना है। अच्छा 100% पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व SPR कितना आएगा, कितना आएगा? 175। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन है कितना और लेना कितना है, तो मतलब SR पास, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन तो। हाँ सुनना, अब ध्यान से सुनना, वो ये बोलता है कि आपने अगर टेम्परेरी लोन लिया ना फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, तो उसको आप लॉन्ग टर्म में काउंट करोगे, राइट? तो देखो क्या नया क्लू मिला आपको, मतलब जो रिवीजन सीरीज होनी चाहिए उसका मोटिव यही होना चाहिए कि कुछ नया सीखने को मिले। मतलब अगर आप किसी एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए टेम्परेरी लोन भी ले रहे हो, क्या उसको भी काउंट करोगे एग्जिस्टिंग बोरिंग्स में? यस। 125 और 25 कितना हो गया? 150। अब आपको 50 और लेना, क्या SR पास करना है? यस, SR पास करना है। आइए आगे चलें बच्चे। सुनना, अब सेक्शन 186। अच्छा 188 की ना रिवीजन नहीं होगी, 188 की अप्रॉक्स, क्योंकि 188 की रिवीजन ऐसे हो नहीं पाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 1 और 1.5 आवर की एक वीडियो लेंगे हम, मतलब मैं आपको अपलोड कर दूंगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, वो आपको देखनी है, और कल तो क्वेश्चंस होंगे, राइट? आइए सेक्शन 186, इंटर कॉरपोरेट लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी। अच्छा सुनना, 180 में एक तो था सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, और एक है 186, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 181 सी और 186 में डिफरेंस क्या है? इसमें कंपनी लोन ले रही थी, इसमें कंपनी लोन देगी, क्या डिफरेंस है? हाँ या ना? वो कह रहा अगर कंपनी एज पर सेक्शन 186 लोन देती है तो चाहे वो लिमिट में दे चाहे वो आउटसाइड द लिमिट, हमेशा UBR तो पास होगा ही होगा,
यस और नो, हमेशा यूबीआर तो पास होगा ही होगा, और अगर लिमिट एक्सीड करती है तो यूबीआर के साथ साथ क्या पास होगा, एसआर, क्या पास होगा, देखो वी आर कंपनी, गिव लोन टू बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन, गारंटी सिक्योरिटी टू बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन, और इन्वेस्टमेंट इन बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के साथ पर्सन क्यों नहीं आया, इन्वेस्टमेंट के साथ पर्सन क्यों नहीं आया, इन्वेस्टमेंट इन बॉडी कॉर्पोरेट ही क्यों आया बस, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ पर्सन, है ना, पैसे तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना उसमें भाई, ये कर सकते हो, पर्सन रिटर्न कैसे देगा। चलो खैर आइए, वो कह रहा है अगर आपको डायरेक्टर को लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी लोन गारंटी सिक्योरिटी अगर आपको डायरेक्टर को देनी है तो 185 पे चले जाओ, और अगर बाकी लोग हैं तो 186 पे आ जाओ। अब सुनना, इसमें लोन देने वाला कौन है और लोन लेने वाला कौन है, क्या क्लियर है, देने वाला कौन है, लोन, आवाज नहीं आ रही, लोन देने वाला कौन है और लोन लेने वाला, दोबारा, लोन देने वाला, लोन देने वाली कंपनी और लोन लेने वाली बॉडी कॉर्पोरेट। सुनना, दिस इज योर फेवरेट एप्पल इज गिविंग लोन टू रिलायंस, सेक्शन 186 में आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि लोन देने वाला कौन है, क्लियर है। अब अगला सवाल सुनो, लोन देने वाली गोलमो और लोन लेने वाली एप्पल, आवाज आएगा, क्योंकि लोन देने वाली कौन है, अब लोन देने वाली फॉरेन कंपनी और लोन लेने वाली एप्पल, क्या आएगा, बेसिकली आपको बिल्कुल क्रक्स पकड़ के चलना, क्रक्स मैं अगर तुम्हें, देखो हवा में जितना मर्जी उड़ लो पर बेस को मत छोड़ो, चाहे रियल लाइफ चाहे लो, भाई तुम जहां तुम भी है, तुमने आलतू फालतू की चीजों के चक्कर में बेस छोड़ दिया, बात खत्म, तुम खत्म। सुनो, बेस क्या कि भाई कंपनी लोन दे रही है, लोन दे कौन रही है, किसको लोन कौन दे रहा है, किसको, आपको ही देखना, लोन देने वाले, देखो दे जिसको मर्जी रही हो, बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइट आइटम। आ जाओ सवाल, चलो छोड़ो तुम भी आंसर कर पाओगे, लोन देने वाला कौन होना चाहिए, बस आपको ये देखना है कि लोन जो दे रहा है वो कौन हो, कब, आओ देखो तुमने बता तो दिया, फॉर्मेलिटी, सबसे पहला सब डायरेक्टर्स की कंसेंट या जो डायरेक्टर्स प्रेजेंट है उनकी, अब वो ये कह रहा है ब्रो देख, LIGS एट सिंगल टाइम cannot cross the ceiling limit, cross कर रहा है तो क्या पास करना है, ऐसा बस धमकी, देखो धमकी कैसे थी, लिमिट से बाहर नहीं जाना, जा रहे हो तो ऐसा, yes or no, क्या तुम लिमिट से बाहर जा सकते हो, bypassing, पर तुम अपनी लिमिट के अंदर ही रहना, कंपनी जाए अपने लिमिट के बाहर, राइट, आइए। अच्छा याद है एक था प्रायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल, याद है कुछ, आइए, सिंगल टाइम कितना, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व SPR और 100% ऑफ फ्री रिजर्व और SPR विच एवर इज, क्या इस जिसमें से जो हायर है क्या उतना बाहर लोन दे सकते हो, हाँ या ना, उससे ज्यादा दे रहे हो तो, उससे ज्यादा दे रहे हो तो बाईपासिंग, ऐसा। अब सुनना, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़, फ्री रिजर्व 200 करोड़, SPR 50 करोड़, कितना लोन दे सकती है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना, 350 रुपए, 350 करोड़ मैक्सिमम। मैं वही तो कह रही हूं, फॉरेन कंपनी इज नॉट कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ द कंपनी शिखा, मैंने यही तो बोला कि अगर फॉरेन कंपनी लोन दे रही है तो 186 अप्लाई नहीं होगा। हां जी, मैक्सिमम कितना, 350, पचास करो,
एक ट्रिक बताऊं, कोई कैलकुलेशन की जरूरत है ही नहीं, कुछ नहीं, बिना बिना फिगर्स की तरफ देखे तुम बता सकते हो कंपनी मैक्सिमम कितना लोन दे सकती है, कंपनी मैक्सिमम कितना लोन दे सकती है, जितना मर्जी बाईपासिंग एसआर। ये जो तुम नलायक को लिमिट निकालते फिरते हो, ये तो किसकी है, बिना एसआर पास कराए इतना दे सकती है ना। मेरी बात सुनो, कंपनी बिना एसआर पास करा के इतना लिमिट का लोन दे सकती है, मैक्सिमम तो जितना मर्जी दे बाईपासिंग एसआर। अगर मैं पूछती मैक्सिमम कितना दे सकते हैं विदाउट पासिंग एसआर, तो ये कैलकुलेशन करते तुम, पर तुम्हें ध्यान ही नहीं है। अब बताओ विदाउट पासिंग एसआर मैक्सिमम कितना दे सकती है, 250 करोड़। कैसे निकला, 160% क्या था यार, 100 3.5 करोड़ का 60 कितना होता है, 210। और ये 210 और 50 में से बड़ा कौन, पक्का पक्का, व्हाट मैथ्स, क्या मैथ्स है तुम्हारी। आई तो इस केस में बच्चे आप इतना लोन दे सकते हो, अच्छा इससे ज्यादा दे सकते हो बाईपासिंग। अच्छा 180 की लिमिट, और इसकी लिमिट को कृपया करके अलग अलग रखना। एक बार 180 की लिमिट बताना क्या है, व्हेन टोटल बोरिंग, व्हेन सॉरी प्रेजेंट बोरिंग प्लस प्रपोज्ड बोरिंग एक्सीड 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एसपीआर। उस केस में उसमें टेम्परेरी लोन इंक्लूड नहीं होगा, शॉर्ट टर्म इंक्लूड नहीं होगा, पर अगर टेम्परेरी लिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग क्या इंक्लूड होगा, यस। तो क्या पास कर एसआर, और इसमें क्या लिमिट है, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एसपीआर, नहीं 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एसपीआर और 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व और एसपीआर। बढ़िया, आइए क्या आगे चलें, प्रायर अप्रूवल ऑफ पीएफआई। वो कह रहा है पीएफआई का अप्रूवल कब लेना है, व्हेन कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन पीएफआई लोन, व्हेन कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन पीएफआई लोन, तो पीएफआई का अप्रूवल लेना है। जब डिफॉल्ट नहीं किया, लोन आउटस्टैंडिंग है पर लिमिट एक्सीड हो रही है, तब पीएफआई का अप्रूवल लेना है, तब पीएफआई का अप्रूवल लेना है। अब आप मुझे बताना कब कब क्या क्या अप्रूवल चाहिए। आपको चार्ट बनवाया होगा ना मैंने, यार दिखाना एक बार चार्ट। आइए आप मुझे बताओगे कब कब किस किस का अप्रूवल चाहिए। लोन जा रहा है विद इन लिमिट, विद इन लिमिट मतलब 60 और 100 विच एवर इज हायर उतना है, और नो बैंक लोन, बैंक लोन भी नहीं है, तो किसकी अप्रूवल चाहिए, क्या चाहिए, यूबीआर। अच्छा क्या एसआर चाहिए, क्योंकि विद इन लिमिट है, क्या पीएफआई का अप्रूवल चाहिए, भाई जब लोन ही नहीं है तो पीएफआई का अप्रूवल क्या, यस। दूसरा विद इन लिमिट पर बैंक लोन है और इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो अभी क्या चाहिए, यूबीआर। क्यों, क्योंकि विद इन लिमिट है तो एसआर तो चाहिए नहीं। अच्छा बैंक लोन है पर डिफॉल्ट नहीं है, तो इसमें कब लेना, जब ऊपर जाएगा लिमिट के। अब मान लो बैंक लोन में डिफॉल्ट है, तो चाहे विद इन लिमिट है चाहे बात आउटसाइड द लिमिट है, दोनों केस में लगेगा, पर बैंक लोन सब्सिस्ट करता है, डिफॉल्ट नहीं है, तो अप्रूवल कब लेना, जब आउटसाइड द लिमिट जाएगा, तो इसमें पीएफआई का अप्रूवल भी नहीं। अगला विद इन लिमिट है, बैंक लोन लिया हुआ है, डिफॉल्ट किया हुआ है, अब क्या, पहले यूबीआर बाद में पीएफआई का। अब और बच्चे बोलेंगे लिमिट के अंदर है पर डिफॉल्ट किया है, राइट। मतलब अगर आप देखो तो यूबीआर तो पास होगा ही होगा, ऐसा तब पास होगा जब आउटसाइड द लिमिट है। पीएफआई के दो केस, या तो तुमने डिफॉल्ट किया है, डिफॉल्ट किया तो हमेशा लोगे, बट अगर डिफॉल्ट नहीं किया, लोन सब्सिस्टिंग है, तो जब लिमिट इंक्रीज हो जाएगी तब। क्या यहां तक ठीक है, अब सुनना, एक्सीड लिमिट, बैंक लोन है पर कोई डिफॉल्ट नहीं है, बताओ क्या होगा,
यूबीआर एसआर पीएफआई अप्रूवल, क्यों? क्योंकि एक्सीड लिमिट है, एक्सीड लिमिट है, बैंक लोन है, डिफॉल्ट भी है। अब सेम यूबीआर एसआर पीएफआई, अब एक्सीड लिमिट है प्लस नो बैंक लोन, बैंक लोन है ही नहीं इस केस में, यूबीआर प्लस। क्या आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है बच्चे? वेन एवर यू आर डूइंग 186 की अप्रूवल वाला पार्ट, यू हैव टू कीप दिस चार्ट इन योर माइंड। मतलब एक बहुत ही सिंप्लीफाइड चार्ट बना दिए, जो क्लास के बच्चे आएंगे वो तो उनका तो होगा ही होगा। क्या आगे चले? आई अब याद है कुछ ऐसा था जहां 186 लगता ही नहीं था? ये लो बच्चे, एग्जेम्पशंस याद है किसी को? बच्चे याद है, एक तो नॉ, एक तो था, सुनो मैं बताती हूं तुम्हें, नॉन एप्लीकेबिलिटी, और एक था एग्जेम्पशन, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इन सब पे नॉन एप्लीकेबल है। उसके बाद अगर एग्जम्पशन की बात करूँ तो गवर्नमेंट कंपनी जो डिफेंस प्रोडक्शन में है उस पर नॉन एप्लीकेबल है। इन्वेस्टमेंट कर रही है इन्वेस्टमेंट कंपनी, उस पर नॉन एप्लीकेबल है। आपके पास शेयर्स आ गए बट वो आए राइट इशू के टुवर्ड्स, वो भी नॉन एप्लीकेबल है। याद है आपको राइट इशू वाला? इसमें है क्यों नहीं, मैं यही देख रही हूँ यार। होना तो चाहिए यार, लिखा तो हुआ है ना तुमने, दोबारा लिखवाऊं क्या यार? लिख लो, क्योंकि फिर बाकी बच्चों ने नहीं लिखा होगा ना, नालायक बाकी जिन्होंने नहीं लिखा होगा उनकी बात कर रही हूं। आइए, अच्छा क्या आपको रजिस्टर भी मेंटेन करना है? कौन से फॉर्म में? एमबीपी टू। अच्छा एमबीपी वन में यू हैव टू गिव डिस्क्लोजर एंड एमबीपी टू में यू हैव टू मेंटेन रजिस्टर। अच्छा जब आप लोन दे रहे हो तो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जितना होना चाहिए। क्या आप अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सब कुछ मेंशन करोगे कि भाई मैंने इंटरेस्ट दिया ये वो, येस और नो? आइए आइए, नॉन एप्लीकेबिलिटी लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रही हूं, याद हो जाएगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, कंपनी इंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इसकी एग्जम्पशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यहां तक क्लियर है? किस किस पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा? हेलो, बैंकिंग, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर रही है इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कर रही है एनबीएफसी जिसका काम ही यही है, या इन्वेस्टमेंट हो रही है बाय सेक्शन 62(1) क्लॉज ए राइट इशू। और एग्जम्पशन किस पे है? गवर्नमेंट कंपनी इंगेज्ड इन डिफेंस प्रोडक्शन। डिफेंस प्रोडक्शन क्लियर है बच्चे? आइए, चले आगे। अच्छा इन्वेस्टमेंट कंपनी की लेयर्स कितनी होनी, नहीं होनी चाहिए मोर देन टू।
187 इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, मतलब कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किसके नाम पे हेल्ड की जाएंगी, कंपनी की। अब सुनना ध्यान से, मतलब आप किसी और नाम पे अपनी इन्वेस्टमेंट हेल्ड नहीं करोगे, यही कहना चाहता है। अब ये कंपनी है और ये कंपनी की वोलियन सब्सिडरी है। वोलियन सब्सिडरी मतलब इस कंपनी के 100% शेयर्स इसके पास होंगे, यस और नो? तो इस कंपनी में जब मेंबर की बात आएगी तो कौन होगी, सिर्फ ये कंपनी? पर अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम मेंबर, यहां तो एक ही है। लॉमेकर क्या कह रहा है, एवरी इन्वेस्टमेंट कंपनी की अपने नाम पे होगी। इस कंपनी ने इसके 100 शेयर खरीदे 100% और वो अपने नाम पे होल्ड करके रखे हैं। जब वोलियन सब्सिडरी के मेंबर निकालने की बारी आएगी, जब इसके 100 के 100% शेयर इस कंपनी के पास है, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी तो ये कंपनी आएगी ना। और लोग ये कहता है अगर पब्लिक कंपनी तो कितने मेंबर, कम से कम 7, प्राइवेट है तो 2, यहां कितने हैं 1। लॉ कॉन्ट्रावीन हो गया, अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा? क्या प्रॉब्लम समझ आई? जेन्युइन है प्रॉब्लम, है ना? देखो इस केस में क्या होता है, ये कंपनी ना अपने नॉमिनीज रख लेती है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, 6 हो गए और एक कंपनी 7। तो इसके रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या आ जाता है, कंपनी के पास मान लो 94 शेयर्स हैं, ए लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी 1 शेयर, बी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी 1 शेयर, ई ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी 1 शेयर, एफ ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी 1 शेयर। इस तरीके से क्या 7 पूरे हो जाएंगे, यस और नो? तो आप देखो नॉमिनी कंपनी, वैसे तो कंपनी सारी इन्वेस्टमेंट खुद के नाम पे होल्ड करेगी, पर अगर लॉ को कंप्लाई करने के लिए जरूरत पड़ रही है तो कंपनी कुछ शेयर्स किसको दे देगी, नॉमिनी को। और अगर आप देखो ए जो शेयर होल्ड कर रहा है वो कंपनी के बिहाफ पे कर रहा है ना, यस और नो? तो आप देखो इंडायरेक्टली है तो इन्वेस्टमेंट सारी कंपनी के नेम पे, प्रोवाइडेड कंपनी में होल्ड एनी शेयर्स इन इट सब्सिडरी कंपनी इन द नेम ऑफ एनी नॉमिनी इफ नेसेसरी टू डू सो टू एंश्योर दैट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सब्सिडरी इज नॉट रिड्यूस्ड बिलो द स्टैट्यूटरी लिमिट। क्या क्लियर है यहां तक? 188 अभी मैं नहीं छेड़ रही हूं, 189 रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स विच द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। वो ये कह रहा है जो आप मान लो मैं एक बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड था, तो उसकी सारी डिटेल मेरे को रजिस्टर्स में लिखनी पड़ेगी। उस रजिस्टर का फॉर्मेट होता है MBP4। क्या फॉर्मेट होता है? MBP4। रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड शेल बी कैप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड शुड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, रजिस्टर शुड बी प्लेस्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड साइंड बाय ऑल डायरेक्टर्स। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद MDWTD, ऊपर यह था कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्टर और ये नीचे है कॉन्ट्रैक्ट। वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट होगा जो भी MDWTD के साथ वो रिटर्न में होगा। किस में होगा बच्चे? रिटर्न में। देखो कॉन्ट्रैक्ट शेल बी कैप्ट एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, रिटर्न मेमोरेंडम होगा एंड शेल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। 191 पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, ये हम कर चुके हैं KMP वाले सेक्शन में, लॉस ऑफ ऑफिस वाला। 192 रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स। वो कह रहा है अगर आप डायरेक्टर्स को कोई भी अंडरटेकिंग की सेल परचेज कर रहे हो तो इट शुड बी इन कैश, नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगी, मतलब काइंड में वो ट्रांजेक्शन नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट बाय OPC, अगर OPC कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट में आएगी। ठीक है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेमोरेंडम में होंगी और बोर्ड मीटिंग में लिखे जाएंगे। दैट इज इट अबाउट 173 से 193। सिर्फ एक सेक्शन रहता है 188, उसके अलावा सारे सेक्शन हो गए। एनी कंफ्यूजन बच्चे? रिवीजन नोट्स वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे बच्चे, वेबसाइट पे बताओ। किसी को कोई दिक्कत? एक बार रिवाइज कर लें सेक्शन 173। आवाज नहीं आ रही? 173, 174, 175 रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, 176 डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट शेल नॉट इनवैलिडेट एक्शन टेकन, 177 ऑडिट कमेटी, ऑडिट में भी विजुअल मैकेनिज्म भी था, 178
एनआरसी, एनआरसी के साथ क्या वो भी थी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, 179 पावर्स ऑफ बोर्ड, 180 रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, 181 चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, 182 पॉलिटिकल पार्टी, 183 राइट, 184 डिस्क्लोजर, 185 लोन टू डायरेक्टर, 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन गारंटी सिक्योरिटी, 187 इन्वेस्टमेंट्स टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, 188 उसके बाद याद करने जरूरी नहीं है, 173 से 188 कर लो, 175 किसका है, 179, 181 रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, या 180 है रिस्ट्रिक्शन, 181, 185 लोन टू डायरेक्टर्स, 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। कि यहां तक डन है बच्चे, कल इसके एक बार क्वेश्चंस करते हैं एंड देन हम फिर से रैप अप करेंगे, डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे मेरे बच्चे, बाकी वही कह रही हूँ 188 एक बार अलग से सेपरेट क्लास लेके आई विल पोस्ट इट राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे मेरे बच्चे, आज की क्लास दिमाग से क्लियर, मैं क्लियर पक्का पक्का। अच्छा एक बार बोल दो मेहनत, रिजल्ट, छुट्टी, ओके मेरे बच्चे, बाय, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड, बाय बच्चे।